So boys and girls, welcome back. We are today going to start with the topic called as cash book. सुनिए, cash book ये topic काफी आसान है, but cash book समझ में आया तो समझना BRS समझने की गुंजाइश है, नहीं तो BRS को option छोड़ देना पहले ही, right? So what we need to do is first we need to work out on cash book. So let us understand what is cash book. We will be learning cash book. सुनो, पहली चीज cash book ये ऐसी subsidiary book है जो बेटा ledger भी है. क्योंकि कैश बुक एक ही सब्सिडरी बुक है जिसको डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है. यू कैन सी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? यस. उसको डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों होती है. बेटा जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द एंट्री ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीराम. कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीराम अकाउंट. एम आई कम्युनिकेटिंग? तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीराम अकाउंट व्हेन कैश इज रिसीव्ड. मान लो मैं कैश अकाउंट में पोस्टिंग करता हूं तो मैं डेबिट साइड में जाके लिखूंगा ना टू श्रीराम अकाउंट 10,000. एक एग्जांपल, क्योंकि तुमने क्या बोला कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीराम अकाउंट. सो अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो कैश अकाउंट के डेबिट में ही तो लिखूंगा ना मैं टू श्रीराम. यस और नो? बेटा जी, और अगर मान लो मैं पेमेंट कर रहा हूं मान लो कृष्णा को, तो क्या एंट्री होगी? पार्टी, दैट इज कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश. तो बेटा कैश अकाउंट में पोस्टिंग यही तो करूंगा ना, बाय कृष्णा. कितना आएगा बेटा जी? फॉर एग्जाम्पल 15,000. सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कैश बुक इज नथिंग बट अ लेजर. कैश बुक इज नथिंग बट अ लेजर एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. क्योंकि प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है? लेजर. सो कैश बुक इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर. जर्नल क्यों? कोई भी सब्सिडरी बुक इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल. शुरुआत में ऐसा था कि जर्नल थी, लेजर थी, ट्रायल बैलेंस. फिर जर्नल के टुकड़े किए गए बहुत सारे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक. तो कोई भी सब्सिडरी बुक है बाय डिफॉल्ट वो क्या बनती है बेटा जी? जर्नल, एनी सब्सिडरी बुक. बट कैश बुक ये एक ही बुक ऐसी है विच इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर. सो कैन वी राइट इट डाउन? राइट डाउन. कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर. कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर. ओके, ये पॉइंट नंबर वन हुआ. राइट डाउन पॉइंट नंबर टू. कैश बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल. कैश बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल. कैश बुक इज व्हाट? पार्ट ऑफ जर्नल. इट इज पार्ट ऑफ जर्नल. इज दैट ओके? फाइन. नाउ मूविंग अहेड, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट. राइट, इन द कैश बुक डियर फ्रेंड्स यू हैव गॉट कैश अकाउंट जैसा फॉर्मेट है. सो मैं लिख देता हूं कैश बुक, नाम सिर्फ कैश बुक. और बेटा डेबिट साइड में हम लिखेंगे रिसीट और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे पेमेंट. आपको समझना है बेटा कि कैश बुक में अगर मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं टू राजू, इसका मतलब होता है सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाता है? राजू अकाउंट के क्रेडिट में. अगर मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय पिंटू, तो इसका मतलब आता है उसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है? पिंटू के डेबिट साइड में. सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना. Is that okay? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. नाउ ध्यान से सुनिए मेरी बात. ये यहां पर मैंने कैश अकाउंट बना दिया बेटा. कैश, बेटा ध्यान रहे, कैश अकाउंट कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. व्हाई? बिकॉज द अवेलेबल कैश विल ऑलवेज बी मोर देन व्हाट यू कैन एक्सपेंड. कैश अकाउंट कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. विच अकाउंट? कैश. तो लिख लीजिए कैश अकाउंट कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. कैश अकाउंट कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. हो ही नहीं सकता. कैश अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता. उसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. फिर बेटा हमारी हेल्प के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने और एक कॉलम ऐड किया कैश बुक में. जो लेजर है उसी के अंदर और एक कॉलम ऐड किया जिसको हम बोलते हैं एक और कॉलम, जिसका क्या नाम है बेटा जी? डिस्काउंट. डिस्काउंट और डिस्काउंट.
बेटा ध्यान रहे ये दोनों एक ही अकाउंट नहीं है, लेजर नहीं है, ये डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, ये सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए ऐड किया हुआ है। डेबिट साइड में जो डिस्काउंट है दैट इज डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड में जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑन द रिसीट साइड यू हैव गॉट डिस्काउंट अलाउड, ऑन द क्रेडिट साइड यू हैव गॉट डिस्काउंट रिसीव्ड। दीज आर टू डिफरेंट अकाउंट्स, दे आर नॉट वन अकाउंट, दे आर टू डिफरेंट अकाउंट। जैसे शीला और परमित, कैन इट बी वन अकाउंट? नो, दीज आर टू डिफरेंट अकाउंट्स। इनका बैलेंसिंग भी अलग अलग होगा, यस और नो? सो ध्यान में रहे बेटा, क्योंकि ये दूसरे कॉलम है, ये सिर्फ ऐसे ही हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं। तो बेटा ध्यान में रहे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड इन कैश बुक इज नॉट बैलेंस्ड। डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड विच कॉलम बेटा? डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड हुआ, ये कौन सा? डिस्काउंट रिसीव्ड। बोथ दिस कॉलम इन कैश बुक आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर ओनली टोटल्ड बिकॉज दे आर डन फॉर आर कन्वीनियंस। तो ठीक है बेटा, इसको बैलेंस कर ले, इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है? ये दे आर मेयरली वॉट? टोटल्ड। अब बेटा टोटल करने से इसका फायदा क्या है? बेटा इसका फायदा ये है कि जो इसकी टोटल आएगी वो यहां से डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में जाती है। तो मान लो अगर इसकी टोटल में गड़बड़ी हुई तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको याद रखना पड़ेगा कि मतलब इसकी पोस्टिंग में भी गड़बड़ी हुई। टोटल में गड़बड़ी मतलब पोस्टिंग में भी गड़बड़ी, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का पोस्टिंग कहां पे जाता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। दिस इज कॉलम, दिस इज व्हाट? कॉलम। और वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में। और डिस्काउंट रिसीव्ड की टोटल कहां जाती है बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड से प्रॉफिट बढ़ता है और डिस्काउंट रिसीव्ड कम होने से प्रॉफिट कम होता है। यू शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द अकाउंट। सो इफ आई से डिस्काउंट अलाउड ओवरकास्ट हो गया, मतलब क्या? एक्सपेंस ओवरकास्ट हो गया, मतलब क्या? प्रॉफिट कम हो गया। से यस। सो कैन आई राइट डाउन टू इक्वेशंस फॉर यू? डिस्काउंट अलाउड की टोटल, एक क्वेश्चन आता है ना इस पे रेक्टिफिकेशन में, डिस्काउंट अलाउड की टोटल ज्यादा हो गई, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा? सिंपल है, डिस्काउंट अलाउड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। डिस्काउंट अलाउड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट, मींस इफ डिस्काउंट अलाउड टोटल इज मोर, प्रॉफिट इज लेस। इफ डिस्काउंट अलाउड टोटल इज लेस, प्रॉफिट इज मोर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तुम मुझे बताओ, अपने आप से इक्वेशन बनाकर बताओ तुम्हें, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? वेरी गुड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। से यस। ये दो चीजें हो जाने के बाद में बेटा ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड क्या किया जाता है? सिर्फ टोटल। मगर ये टोटल ऐसा फालतू में करते क्या? नहीं। इस टोटल का क्या मीनिंग है? डीपर मीनिंग क्या है? किसका पोस्टिंग जाता है डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में या डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में? बोलो ना। हाँ, एग्रीड। और अगर ये टोटल में गड़बड़ी हुई तो प्रॉफिट में भी गड़बड़ी होगी, और अगर ये टोटल में गड़बड़ी हुई तो और एक गड़बड़ी क्या होगी बेटा जी? कि आपकी पोस्टिंग भी गलत जाएगी। इज दैट ओके? दैट्स लवली। इसके साथ साथ और एक अकाउंट बनाया जाता है बेटा, इधर और एक कॉलम बनाया जाता है जिसका नाम है बैंक अकाउंट। ये बैंक, ये बैंक। से यस। ध्यान रहे बेटा, जब आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो ये अकाउंट है, सिर्फ इसमें एक अकाउंट नहीं है, वो सिर्फ कॉलम है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। बाकी बैंक क्या है? अकाउंट है। उसमें भी बेटा वही सेम चीज, रिसीट साइड है और पेमेंट साइड है। ध्यान रहे बेटा कि बैंक अकाउंट को दोनों ही बैलेंसेस हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, बिकॉज बैंक कैन हैव ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक कैन हैव ओवरड्राफ्ट बैलेंस। रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स, इन बैंक देर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज, फॉर एग्जाम्पल चेक, फॉर एग्जाम्पल बैंक ड्राफ्ट। नाउ माई डियर फ्रेंड, दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन अ डिफरेंट मैनर, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। मान लो मुझे एक चेक मिला जो बीआरआर चेक है। आपको बीआरआर चेक का मतलब समझ में आता है? कि जिस चेक को आप किसी को भी दे सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, उस चेक को क्या कहते हैं हम? बीआरआर चेक। तो मान लीजिए आपको एक बीआरआर चेक मिला तो आप उसको क्या कर सकते हो बेटा जी? एंडोर्स। पॉइंट नंबर वन क्लियर? बीआरआर चेक को आप क्या कर सकते हो? एंडोर्स। व्हाट इज द सेकंड चेक? माय डियर फ्रेंड, अकाउंट पे ही चेक। अकाउंट पे ही चेक कैन नॉट बी एंडोर्स्ड। एंड माय डियर फ्रेंड, द ड्यूरेशन ऑफ द चेक इज हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। ड्राफ्ट की भी कितनी ड्यूरेशन है? 3 मंथ्स। तो एक सेकंड चेक करना बेटा, अगर मान लो मुझे किसी से चेक मिला 2 रनिंग, एग्रीड, तो वो हम कौन से कॉलम में लिखना चाहिए? टेक्निकली बैंक कॉलम में,
क्योंकि देखो चेक मिला तो तुमको एंट्री क्या सिखाई गई बचपन में, चेक रिसीव्ड आप एंट्री क्या कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रानी अकाउंट। मगर बेटा अगर वो बीआरआर चेक मिला तो आप उसको कैश भी ट्रीट कर सकते हो, तब आप एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू रानी अकाउंट। एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा चेक रिसीव्ड टुडे एंड डिपॉजिटेड टुमारो, चेक रिसीव्ड टुडे एंड डिपॉजिटेड टुमारो। तो मैं आपको इसका टेक्निकल समझाता हूं मीनिंग क्या है, कि चेक कहीं गुम ना जाए उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जब चेक मिलता है तो उसको कैश बॉक्स में रखा जाता है। तुमने देखा होगा कैश बॉक्स के बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला कंपार्टमेंट, तो जो चेक मिलते हैं उसको चेक मिलने के साथ साथ उसको नीचे के कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, मतलब कैश बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब मान लो कोई चेक उड़ाकर लेकर चला गया, गुम गया कर गया, तो आपका कंट्रोल कैसे रहेगा। इसीलिए बेटा पहली एंट्री कैश के कॉलम में करी जाती है, क्योंकि अगर आज मिला डिपॉजिट कल होने वाला है तो हम बैंक तो लिख नहीं सकते, आज डिपॉजिट कल होगा ना, क्योंकि बैंक के पेन स्लिप पर ठप्पा तो नहीं मिलेगा आज, कब मिलेगा ठप्पा, कल है नहीं, कल डिपॉजिट करेंगे। तो जब आज के दिन चेक मिला आज के लिए कंट्रोल रखने के लिए उसकी एंट्री कैश में की जाती है। तो अगर एग्जामिनर अगर आपको ऐसा कहे चेक रिसीव्ड टुडे डिपॉजिटेड द नेक्स्ट डे, देन माय डियर फ्रेंड यू शुड रिमेंबर कि चेक रिसीव्ड की एंट्री आपको पहले कैश कॉलम में करनी पड़ेगी और फिर एंट्री करनी पड़ेगी आपको कॉन्ट्रा, क्योंकि जब चेक डिपॉजिट होगा बैंक में तब एंट्री क्या होती है उसकी, कॉन्ट्रा। तो बताओ पूरी क्लास क्या है मीनिंग, चेक रिसीव्ड राइट टुडे एंड डिपॉजिटेड टुमारो। तो जब चेक रिसीव्ड होता है वो पहले कौन से कॉलम में जाता है, कैश, और फिर उसकी कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री कौन से सिनारियो में हो सकती है, आई बिलीव कि आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में पता होगा। कॉन्ट्रा एंट्री फिर भी बता देता हूं, यू कैन मेक इट इन थ्री सिनारियोज, यस इट इज नॉट टू इट इज थ्री सिनारियोज टेक्निकली। फर्स्ट वन इज चेक विद सॉरी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज, कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पर कैश और बैंक अकाउंट अफेक्ट हो वो कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरा चेक या सॉरी कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बोलो बड़े कौन सा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कौन सी एंट्री हुई बेटा जी, कॉन्ट्रा, इज दैट ओके। एंड द थर्ड वन माय डियर फ्रेंड इज एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक मनी इज ट्रांसफर टू कैनरा बैंक, इज ऑल्सो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन राइट। नेवरदिलेस यू विल स्टडी इट इन योर आर्टिकलशिप, बट अभी के लिए आपको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कितनी हुई, तीन। चेक या सॉरी क्योंकि चेक आ रहा है बराबर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ऑल दिस एंड मनी डिपॉजिटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, ऑल दिस आर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। लवली बॉयज एंड गर्ल्स आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, कॉन्ट्रा एंट्री को गलत मत समझो, कॉन्ट्रा एंट्री मैं आपको गुडविल में भी सिखाऊंगा। कॉन्ट्रा एंट्री का मीनिंग समझ में आता है क्या, क्या जब एक ही लेजर अकाउंट में दोनों पोस्टिंग खत्म हो जाए तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उसमें हम LF के कॉलम में कुछ लिख नहीं सकते कि कौन से लेजर फोलियो में पोस्टिंग गई है, इसलिए उसको नाम क्या दिया जाता है, कॉन्ट्रा। सो कॉन्ट्रा का मीनिंग सिर्फ कैश और बैंक में होता है क्या, नहीं, मैं आपको पार्टनरशिप में भी बताऊंगा कि गुडविल की भी एंट्री कॉन्ट्रा के थ्रू हो सकती है। सो कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है कि जब आप एक ही लेजर में दोनों पोस्टिंग कंप्लीट करते, मतलब डेबिट की भी और क्रेडिट की भी, वो एंट्री क्या होती है बेटा जी, कॉन्ट्रा। जैसे आप देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सो बेटा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बैंक कॉलम के और डेबिट साइड में लिखूंगा किसके, कैश कॉलम के, तो एक ही जगह पे हो गई ना डेबिट और क्रेडिट एक ही अकाउंट में, सो हेंस इट इज व्हाट, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, कॉन्ट्रा क्या होती, दो ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा नहीं होती, कौन सी, जहां पर कैश और बैंक अफेक्ट नहीं हो रहा है वैसा। एक देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, व्हाट इज द एंट्री बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बोला, सो बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा कब, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक और डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ऑफिशियल यूज, दैट इज कॉन्ट्रा। मगर और एक चीज कॉन्ट्रा नहीं होती, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बैंक, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रा। दो अकाउंट अफेक्ट होना जरूरी है इन द सेम लेजर अकाउंट, एंड दैट इज व्हाट, कैश एंड बैंक, जब कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होते हैं तभी वो ट्रांजेक्शन क्या बनती है, कॉन्ट्रा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दिलीप भाई से 11:30 बजे बात कर लेना, वो पुराना वाला कैमरा रिटर्न करना है, ठीक है, और नहीं तो एक मेमोरी कार्ड लेके आ जाना खरीद कर, तुम्हारे पास है क्या कैश, मैं आज ही दे दूंगा, या काका से ले लेना, काका को बोल देना मैं दे दूंगा।
ब्रेक में दे दूंगा ठीक है, 11:30 बजे करना है तो उसको मीनवाइल में कर दूंगा ठीक है। चलो आप रेडी हो यहां तक, सुनना मेमोरी कार्ड वहीं से लेके आना, कहां से? महावीर से, क्योंकि इसका मेमोरी कार्ड 10x होना चाहिए। हाँ मतलब बोला कि कैमरा में यूज करना, कौन सा कैमरा अपना बता देना, सादा वाला मेमोरी कार्ड नहीं चलता इसमें ठीक है। हाँ चलिए बेटा जी, आप रेडी हो गए यहां तक? कोई यहां तक अड़चन? यू आर ऑल राइट विद दिस दिस पार्ट? ओके दैट्स लवली। सुनिए अभी अगले भी आप, नाउ लिसन टू मी केयरफुली बेटा जी। कैश बुक में और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि कैश बुक अंडरकास्ट हुई, बीआरएस पर क्या इफेक्ट हुआ, रेक्टिफिकेशन का क्या होगा, या डेबिट साइड अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हुई क्या इफेक्ट आएगा। तो वो वाली ट्रांजेक्शन सिखा रहा हूं, एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहली चीज ध्यान में रखना, बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस ठीक है। देखो मैं लिखूंगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, मीन्स व्हाट? इफ द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट, बैलेंस इज ऑल्सो ओवरकास्ट। इफ रिसीट साइड इज अंडरकास्ट, बैलेंस इज ऑल्सो अंडरकास्ट। सो इफ somebody asks you द रिसीट साइड इज अंडरकास्ट बाय ₹10,000, what will happen to the balance? So your balance will go down by 10,000. If receipt is overcast by 15,000, what will happen to the balance? Balance will go up by 15,000. And similarly, my dear friend, payment is inversely proportional to balance. Ye two things aapko dhyan mein rakhni padegi. Payment is what? Inversely proportional to balance. Matlab kya? Agar maan lo payment side zyada ho gayi, overcast, to balance kam ho jayega. Aur agar maan lo ki payment side is undercast, to balance badh jayega. मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, ये क्लू ध्यान में रखना। और एक चीज ध्यान में रहे, जो बैलेंस के लिए उसका उल्टा चलता है ओडी में, मतलब अगर ओडी के बारे में पूछ रहे ओडी का क्या होगा, सो देन ओडी का ऐसा है, रिसीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओडी एंड पेमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओडी। मैथ्स को यूज करो। सो अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट हो गई तो ओवरड्राफ्ट भी बढ़ जाएगा, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर पेमेंट साइड कम हो गई तो ओवरड्राफ्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एग्रीड? मान लीजिए कि अगर रिसीट साइड ओवरकास्ट हो गई, रिसीट साइड इज ओवरकास्ट, तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। और लॉजिकली बराबर है, बराबर है कि नहीं? अगर रिसीट बढ़ जाएगी तो बट नेचुरल ओवरड्राफ्ट कम ही होगा ना। यस, सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट, समझ में आई बात है ना। थर्ड वेरी क्रूशियल पॉइंट, जब डेबिट का आइटम क्रेडिट हो जाता है या क्रेडिट का आइटम डेबिट हो जाता है तब इफेक्ट इज एडेड। मतलब देखो, रिसीव्ड मनी फ्रॉम श्रीधर कौन से साइड में जाना चाहिए था? रिसीट साइड में। मैंने गलती से उसको लिख दिया पेमेंट साइड में, तो कितने का इफेक्ट होएगा? इफेक्ट शुड बी एडेड। पहली चीज समझो, इफेक्ट शुड बी एडेड। जो बच्चा यह सीख के आता है कि डबल्ड, गलत है। इट इज वॉट? एडेड। लेट मी एक्सप्लेन यू, एक एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको और दो मिनट में समझ में आ गया। देखो 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 ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं क्योंकि अगर टेक्निकली समझ में आ गया तो समझोगे आप जीत गए। श्रीधर से मिले ₹10,000, मैंने क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में। रिसीट होता ना, मतलब करेक्ट इफेक्ट होता तो कहां पर लिखता? श्रीधर डेबिट में। एग्रीड? कितना लिखता बेटा मैं? 10,000। ये हुआ ही नहीं, ये गलती हो गई, ये सही था मगर ये हुआ ही नहीं। मैंने गलती से कहां पे लिख दिया? क्रेडिट में, बाय श्रीधर। कितना लिख दिया? 10,000। तो अब आपको ये चीज कहां पे ध्यान में रखनी है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएस में, कि जब डेबिट की चीज क्रेडिट में लिख दी जाए तो इफेक्ट इज एडेड। इफेक्ट इज एडेड मतलब क्या? जो करेक्ट इफेक्ट है वो प्लस जो आपने इफेक्ट गलत दे दिया वो, दोनों को एड कर दो। ये समझ में आ रही क्या बात? धन में दोनों को ऐड कर दो। कितने का इफेक्ट आएगा? 20,000। पहले ये समझने की कोशिश करो इफेक्ट कितने का आएगा, 20,000। ये बच्चा एक समझ नहीं पाता कि कब तुम सर ऐड करते हो कब नहीं करते हो। जब डेबिट की चीज क्रेडिट में जाती है, क्रेडिट की चीज डेबिट में जाती है, देन द इफेक्ट इज एडेड। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर। अगर मान लेते हैं कि यहां पर मैंने 5,000 लिख दिया श्रीधर, हो सकती है ना गलती है, 10,000 की चीज मैंने इधर क्रेडिट में कितनी लिख दी? 5,000। आप मुझे जरा बताएंगे कितने का इफेक्ट होगा? 15,000। मान लेते कि इधर मैंने लिख दिया 15,000, बताएंगे इफेक्ट कितने का होगा? 25,000। तो अब ये सत सत बुद्धि में क्लियर हो रहा है क्या?
चलो मैं अगर आपको ये बोलूं डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 10,000 कौन से साइड में लिखते हैं कैशबुक के, याद करके बताओ, डेबिट साइड। गलती से मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 10,000 वॉज रॉन्गली रिटन ऑन द क्रेडिट साइड और इन डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम, क्योंकि आप देखो डिस्काउंट रिसीव्ड में गया तो पोस्टिंग भी अलग साइड में जाएगी क्या नहीं जाएगी, मतलब उसका इफेक्ट गलत जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या नहीं, मतलब उल्टा गया कि नहीं गया, जब भी उल्टा जाता है तो इफेक्ट इज वॉट एडेड। तो लेट्स सी, डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 10,000 वॉज रॉन्गली रिटन इन द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम एज रुपीज 5,000, इफेक्ट कितने का, इफेक्ट कितने का 15,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लेते कि रिसीट ऑफ 10,000 वॉज रॉन्गली रिटन ऑन द पेमेंट साइड एज 12,000, पेमेंट साइड रिसीट है 10,000, कौन से साइड में लिख दिया गलती से, पेमेंट साइड में, कितना 12,000, तो कितना होगा इफेक्ट 22,000। इफेक्ट समझ में आ रहा है, ऐड होता है, इतना समझ में आया तो मैं सेकंड स्टेप बताता हूं इसके, इफेक्ट इज एडेड, व्हेन इज इफेक्ट एडेड, व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट और क्रेडिट बिकम्स डेबिट, इफेक्ट इज एडेड। ये आपको सस्पेंस अकाउंट में भी हेल्प करेगा, इज दैट ओके। नाउ क्लियरफुली थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। आर इज वॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, ओके, पी का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, मतलब पी में कुछ लिख दिया तो बैलेंस कम होता है, सही है, मतलब आर में कुछ लिख दिया तो बैलेंस बढ़ता है, ये कॉमन सेंस लग रहा है। अब देखो बेटा जी, एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भाई जो रिसीट था ना 10,000 का, वो मैंने गलती से पेमेंट में लिख दिया बाय चंदू, मैंने कैश कॉलम में लिख दिया, पेमेंट में कहां लिख दिया, पेमेंट कॉलम, कितना लिख दिया 7,000, जो रिसीट था ना वो कहां पर लिख दिया मैंने पेमेंट साइड में 7,000, अमाउंट दोनों सेम ही थी 7,000 और 7,000, तो मुझे बताओ इफेक्ट कितने का हुआ 14,000। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई, सेकंड स्टेप कहां पर लिख दिया पेमेंट साइड, पेमेंट का रूल क्या है, पेमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, दैट मींस बैलेंस विल गो डाउन बाय 14,000, है इजी, क्लैरिटी है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, रिसीव्ड फ्रॉम चंदू 7,000 वॉज रिटर्न ऑन द पेमेंट साइड एज 17,000, मुझे बताओ कितने का इफेक्ट हुआ 20, कितना 17,000 प्लस 7,000 कितना 24,000, मतलब पहले इफेक्ट ऐड हुआ, ये समझ में आ गया, लिखा कौन से साइड में, पेमेंट साइड में। तुम्हारा रूल क्या कहता है, पेमेंट साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, मतलब बैलेंस विल गो डाउन बाय 24,000, लिख दिया मतलब पेमेंट साइड में लिखा है, मतलब बैलेंस विल गो डाउन, एग्रीड। चलिए दूसरा देखते हैं, पेड टू शिखा वॉज रिटन रॉन्गली ऑन द डेबिट साइड, सो मैं इधर क्या लिख दूंगा टू शिखा, मतलब रिसीट साइड में लिख दिया, पे किया था शिखा को, पेड टू शिखा 5,000 वॉज रॉन्गली रिटन ऑन द डेबिट साइड एज रुपीज 7,000, पेड कितना था 5,000, लिखा कितना 7,000, पहले इफेक्ट निकालो कितने का, समझ में आया। अब कौन से साइड में लिखा है, रिसीट साइड, रूल देखो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, तो बैलेंस के साथ क्या होगा बढ़ेगा, कितने से 12,000, क्लैरिटी है, ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में। तो एक मैंने जो अभी सिखाया वो कौन सा सिखाया बेटा, बैलेंस का, ये मैं आपको रेक्टिफिकेशन में भी सिखाऊंगा और मैं आपको ये बीआरएस में भी बताऊंगा, बट ये रूल छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रहे, ये रूल कौन सा, जब डेबिट बिकम्स क्रेडिट और क्रेडिट बिकम्स डेबिट, इफेक्ट इज एडेड, राइट। और फिर आपको रूल ध्यान में रखना है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब जिस साइड में लिख दिया उस साइड का रूल अप्लाई कर दो, मतलब पहले क्या करो इफेक्ट ऐड कर लो, फिर क्या करो कौन से साइड में लिखा है, ये आपको समझ में आएगा, जिस साइड में लिखा उस साइड का रूल अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नाउ लेट्स कम डाउन टू द लास्ट पार्ट एंड माय डियर फ्रेंड, द लास्ट पार्ट ऑफ द कैश बुक इज पेटी कैश बुक। व्हाट इज द पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक इज फॉर स्मॉल एक्सपेंडिचर, सो माय डियर फ्रेंड एनी स्मॉल एक्सपेंडिचर इज रिटन वाया पेटी कैश बुक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिकल कैश बुक। Remember, my dear friend, in petty cash book there is a float which is maintained. What is a float? Float मतलब जैसे आपकी pocket money होती है ना, वैसे एक amount decide कर ली जाती है और वो pocket money को हम बोलेंगे float. तो बेटा ऐसा समझो कि ये एक pocket money है जिसका हम लिख देंगे amount है 10,000. कितना लिख दूंगा बेटा?
10,000. अब मैं इधर लिखता हूं बेटा जी, इधर राइट कि 7,000 ये एक्सपेंस है राइट. तो बेटा बैलेंस कितना रहा 3,000. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बता रहा हूं. अंडर पेटी कैश बुक ईच मंथ और ईच फोर्टनाइट, मतलब हर 15 दिन में, हर 7 दिन में या हर 1 महीने में, जो भी आपका टेन्योर होगा, जितना आप खर्चा करते हो उतना रियम्बर्स कर दिया जाता है आपको वापस, सो दैट द टोटल फ्लोट इज अगेन मेंटेन्ड. मतलब मान लो आपकी पॉकेट मनी है 10,000, पॉकेट मनी मतलब आपको 10,000 रुपए दिए जाते महीने की शुरुआत में, फिर लास्ट के दिन आपके पास 3,000 रुपए बच गए, तो आपको कितने रुपए और रियम्बर्स कर दिए, ऐसा एज्यूम करें कितने 7,000. टेक्निकली पॉकेट मनी नहीं फिट होता है, क्योंकि पॉकेट मनी आपको जो करना है वो करो. अगर हम माने कि अगर आप हिसाब मेंटेन करते हो, अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हो, तो ऐसे ही होता है ना कि 10,000 आपको मिले, 7,000 रुपए आपने खर्चा किया, 3,000 रुपए आपके पास बैलेंस है. अगर 10,000 रुपए वापस फ्लोट बनाना है तो कितने देने पड़ेंगे 7,000. सो बेटा अकाउंटिंग टर्म में फ्लोट का मैं आपको डेफिनेशन देता हूं. फ्लोट इज द मिनिमम बैलेंस, ये समझ में आया, मगर और एक फ्लोट का मीनिंग है, लिखिए वाउचर्स इन हैंड. वाउचर्स इन हैंड मतलब जितना खर्चा किया, खर्चा करने के बाद मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आपको वाउचर मेंटेन करने पड़ते हैं उसके. से यस, वाउचर्स इन हैंड प्लस बैलेंस प्लस पेटी कैश बैलेंस, ये फ्लोट का मीनिंग हुआ. समझ में आया कि नहीं आया? रियम्बर्स कितना करेंगे, जितना खर्चा हुआ, हाउ मच वुड बी रियम्बर्स्ड, व्हाट इज एक्सपेंडेड. बेटा वाउचर्स क्यों बोल रहा हूं समझ में आया ना, क्योंकि अकाउंट्स में सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है एक्सपेंस बुक करने का, वाउचर्स. एग्रीड? तो इसलिए वाउचर्स इन हैंड. इज दैट ओके? किसी को प्रॉब्लम इसमें? राइट. नाउ व्हाट इज अ पेटी कैश? पेटी कैश इज एन असेट. पेटी कैश इज अ रियल अकाउंट. पेटी कैश इज एन असेट और पेटी कैश इज अ रियल अकाउंट एंड बोथ आर शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड. बोथ आर मतलब कैश एंड पेटी कैश, बोथ आर शोन वेयर इन बैलेंस शीट असेट साइड अंडर द हेडिंग करंट असेट. Within that cash and cash equivalent, current asset बनती है cash और क्या petty cash. Is that okay? और एक बात सुनिए बेटा, cash in transit भी asset होती है. Cash in transit भी asset होती है या real account होता है. Is that okay? So just remember these things. Cash in transit and petty cash both are asset and they are written on the balance sheet asset side under the heading current asset. Within that cash and cash equivalent. Okay? So with that lovely boys and girls, I think we should start. अगर कोई चीज रह जाती है तो मैं आपको वापस help कर दूंगा with the questions. So lovely boys and girls, you are all welcome to the cash book. Page number बताएगा कोई छोरा? 3.1. अच्छा ये नहीं है आपके पास. यही है. ये वाला नहीं है. एक सेकंड, दूसरा वाला का. हाँ जी, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. राइट, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक बोला बेटा. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय कस्टमर व्हेन पेइंग देयर अकाउंट इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. सो इसका राइट आंसर क्या है? डी. ये ध्यान में रहे, इसका पोस्टिंग बाद में होता है टोटल लेकर. द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. अच्छा बेटा, डिस्काउंट अलाउड हम किसको देते हैं? कस्टमर. और डिस्काउंट रिसीव्ड किससे होता है? सप्लायर से, क्रेडिटर से. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. डिस्काउंट अलाउड इज गिवन टू हुम? कस्टमर और डेटर. डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम हुम? सप्लायर और क्रेडिटर. नेक्स्ट, एन अलाउंस ऑफ 50 वॉज ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश ऑफ रुपीज 1050. राइट माई डियर फ्रेंड, इट वुड बी रिटर्न वेयर? कैश बुक.
कैश बुक में डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? बेटा अलाउंस ऑफ 50 वाज ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट, बताओ मुझे हाउ मेनी ऑफ यू फील इट इज क्रेडिट साइड? ओके सो विच साइड देन? डेबिट साइड. अरे बाबा अपन डिस्काउंट दे रहे हैं और वो पेमेंट कर रहा है, वी आर गिविंग द डिस्काउंट ना. सो माय डियर फ्रेंड इट इज एक्चुअली अ डिस्काउंट अलाउड, बट नेवर दिलेस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं था. बट पेमेंट वर्ड को देखकर कभी भी नहीं बोलना कि सर इट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड. नहीं, पेमेंट कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो क्या? अगर आप कर रहे हो तो बेटा क्रेडिट साइड में. मगर अगर आपको पेमेंट मिल रहा है तो आपका रिसीट हुआ ना, तो वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, सामने वाले आदमी के हिसाब से ट्रांजेक्शन पुटअप करता है और क्वेश्चन आपकी बुक में पूछता है. सो मतलब ऐसा बोलेंगे, रामा पेड टू आनंद भांगड़िया रुपीज 50,000 एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 1,000, राइट? ही पेड, आई वॉट रिसीव्ड, सो इन माई बुक इट वुड बी ऑन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम. मैंने अलाउ किया ना, समझ में आए कि नहीं? तो जब क्वेश्चन पढ़ो तो एकदम केयरफुली पढ़ना कि किसके बुक्स में पूछा है, राइट? शैल वी गो अहेड? चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं. कैश 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर रुपीज 1,000 अलाउड एज डिस्काउंट. नहीं सुन, घाई नहीं, घाई नहीं, मैंने बोला क्या पूरा क्वेश्चन धीरे पढ़ रहा हूं. अब घाई मत करो. कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर रुपीज 50,000 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 1,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डेटर्स ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक? डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि पूछा कौन से साइड में मैंने? डेटर की बुक में. डेटर की बुक में उसने पे किया है, पे किया तो डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में. दैट्स लवली. सो डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक में शो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट? नन ऑफ द अबव, बिकॉज इट इज जस्ट माय डियर फ्रेंड अ कॉलम, इट इज नॉट एन अकाउंट. मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ कैश बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ कैश बुक? कुछ भी है, ऑल ऑफ द अबव, बराबर है ना? अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन 3 कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड. ये आपकी मॉड्यूल कहती है. एक्चुअली प्रैक्टिकली 2 कॉलम कैश बुक हुई तो भी कर सकते हैं, मगर मॉड्यूल के हिसाब की बात माने तो किस में? ट्रिपल कॉलम में होता है. अच्छा और एक सुनिए, आपके मॉड्यूल में इस बार एक छोटा सा चेंज है. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर कितना परसेंटेज कमीशन चार्ज होता है? कितना? 1-4%. ये याद है क्या? ये ध्यान में रखना, ये इस बार आया है, इस बार मतलब पहले से ही. इस बार और एक जो नई चीज ऐड की है वो ये है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के कितने डिजिट्स होते हैं? 16 डिजिट्स इस बार मॉड्यूल में ऐड हुआ है नई चीज. सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? 16 डिजिट्स. एंड माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक ऑन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन? इट इज हाउ मच? 1-4%. अच्छा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 1-4% कमीशन किस पर चार्ज किया जाता है? जो यूज करता है कार्ड को, पेयर या रिसीवर? द आंसर इज रिसीवर. जिसको पैसा मिलता है उससे 1-4% कमीशन कटता है. जैसे एग्जाम्पल, मैंने कार्ड स्वाइप कराया कहीं पर, तो कमीशन किसका कटेगा? मेरा नहीं, किसको? जिसको मिल रहा है ना पैसा, उसका कमीशन कटेगा. कितना? 1-4%. याद रहे बात? से यस, यस. चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक? द आंसर इज सी, पेटी कैश कॉलम. स्मॉल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स कॉल्ड एज पेटी कैश बुक. द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन असेट. इन पेटी कैश बुक द सिस्टम फॉलोड इज इंप्रेस सिस्टम. इंप्रेस सिस्टम होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इंप्रेस्ड अमाउंट इज रुपीज 500. इंप्रेस्ड अमाउंट इज 500, इसको लिख दो फ्लोट. इट इज फ्लोट. वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ रीएम्बर्समेंट? कितना पैसा देंगे? इफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय पेटी कैशियर ड्यूरिंग द मंथ, टेलीफोन 150, टिफिन 50, स्मॉल रिपेयर 30, जनरल एक्सपेंसेस 100. सो माय डियर फ्रेंड, जितना खर्चा होता है उतना ही रीएम्बर्स होता है. तो कितना होगा बेटा? 150 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 100. बोलो बेटा कितना आएगा? हाउ मच? 330. वेरी गुड. सो द राइट आंसर इज सी, 330. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपियर नोवेयर. व्हाई? बिकॉज वर्डिंग इज व्हाट? ड्यू. कैश बुक का रूल सिंपल है, पेड किया या रिसीव किया तो ही आता है, नहीं तो नहीं आता है. से यस. 12th. चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट डे आर रिकॉर्डेड वेयर?
Are you sure? Yes. Why I'll tell you. बेटा चेक आज मिला है और डिपॉजिट कल कर रहे हैं तो आज चेक मिला है उसका पूछ रहे कहां पे लिखेंगे तो कहां पे कैश बुक तो माय डियर कैश बुक में कैश कॉलम मगर अभी ये कब है देखो देखो ध्यान से उन्होंने एंट्री ये नहीं बोली कि चेक डिपॉजिटेड सब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज व्हाट चेक रिसीव्ड कुछ बच्चा ये बोलेगा मुझे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो आपने तो सिखाया ना कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड नेक्स्ट डे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन किसके पूछ रहे चेक रिसीव्ड के पूछ रहे कि चेक डिपॉजिटेड के पूछ रहे रिसीव्ड द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन एट द बिगिनिंग इज चेक रिसीव्ड व्हेन चेक इज रिसीव्ड इट विल गो इन कैश कॉलम मगर जब मैं अगले दिन बोलूंगा व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड तब कहां जाएगा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज चेक रिसीव्ड एंड व्हेन द चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड द नेक्स्ट डे तो वो पूछ रहे चेक रिसीव्ड कहां पे लिखूंगा कैश कॉलम अगर वो आपसे ये पूछते कि चेक डिपॉजिटेड कहां लिखना है तो आप क्या बोलोगे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन अरे समझ रही है ना बात ये छोरे ठीक है ना तो ये कहां पे जाएगा बेटा जी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक हाय रब्बा ये ट्रांजैक्शन बहुत ब्यूटीफुल मुझे बहुत पसंद है इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 100 वॉज रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट पेड तो पहले मुझे बताओ ऐसा लग रहा है क्या डेबिट हैज बिकम क्रेडिट और क्रेडिट हैज बिकम डेबिट हाँ या नहीं इफेक्ट इज Added, तो पहले मैंने इफेक्ट लिख दिया 200 अब मुझे बताओ लिखा कहां पर है रिसीट या पेड पेड पेमेंट साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस सो बैलेंस विल गो डाउन बाय 200 सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैश बैलेंस सी कैश बैलेंस विल रिड्यूस बाय 200 इज इट इक्वल सिंपल है चलिए इन थ्री कॉलम कैश बुक व्हेन डज कॉन्ट्रा एंट्री ऑकर्स कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक यस इसमें कॉन्ट्रा होती है पेमेंट टू क्रेडिटर बकवास विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बकवास ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता बेटा विच कॉलम ऑफ द कैश बुक कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस कैश कॉलम किसको क्रेडिट बैलेंस हो सकता है तुम मुझे बताओ बैंक और क्रेडिट बैलेंस हुआ मतलब क्या ओवरड्राफ्ट चलो लवली व्हेन द फर्म मेंटेन्स अ सिंपल कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन कैश अकाउंट इन द लेजर क्योंकि कैश बुक इज व्हाट बोथ बोल बोलो कैश बुक क्या है बोथ इट इज व्हाट लेजर एज वेल एज जर्नल अगर बाबा तुम बना रहे हो कैश बुक सिंपल कैश बुक तो कैश अकाउंट क्यों बनाओगे सो राइट आंसर इज माय डियर फ्रेंड व्हाट ए सिंगल कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक मे शो ओनली डेबिट बैलेंस इट कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कैन शो व्हाट Either debit or credit balance, both. Say yes. इसके नीचे कहीं कैश बुक के क्वेश्चन है क्या और ओ नहीं हो चलो कहां पे कहां पे छोरी मेरे इसमें तो नहीं छपा है हां चलो कोई बात नहीं ये थ्योरी क्वेश्चन है लास्ट के मैं करवा दूंगा ठीक है डोंट वरी आई गेट इट डन लास्ट के क्वेश्चंस में करवा दूंगा आगे देन में मुझे तुम क्या बोल रहे हो अरे सुन छोरे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है बीआरएस की ठीक है बीआरएस लिखिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस पहली लाइन लिखिए बीआरएस इज नॉट एन अकाउंट बीआरएस इज नॉट एन अकाउंट बीआरएस अकाउंट है ना लोग येड़ा बोलते पत्थरा मारते अगर बोले अकाउंट है तो बीआरएस इज नॉट एन अकाउंट बीआरएस क्या है बीआरएस एक स्टेटमेंट है बीआरएस इज नॉट एन अकाउंट बीआरएस इज एन स्टेटमेंट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीआरएस इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इंडिया आर ओनली फोर बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स
BRS is not even the part of what? Financial statements. Is that okay? Next point. सुनिए, सुन तो ली. BRS का मतलब क्या है? BRS सिर्फ इसलिए बनाया जाता है so that I can find out the difference between bank balance as per passbook and bank balance as per cash book. I repeat, BRS is prepared to find out the difference between bank balance as per passbook and bank balance as per cash book. मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हो बेटा जी? BRS. बोलो ना. हाँ, दैट्स लवली. चलिए अब अगली बात सुनिए बेटा जी. अगर मैं वर्ड बोलूं डेबिटेड इन कैश बुक, इसका मतलब क्या है? डेबिटेड इन कैश बुक इसका मतलब क्या है? इतनी सी तो बात बता दो यार. रिसीट है कि पेमेंट है? रिसीट. और बेटा जी अगर मैं ये बोलूं क्रेडिटेड इन कैश बुक, मतलब क्या है? पेमेंट. बेटा वही चीज पासबुक में उल्टा चलता है कि पासबुक कस्टमर का अकाउंट मेंटेन कर रही है इन द बुक्स ऑफ बैंक. देन बैंक मेंटेन्स कस्टमर्स अकाउंट इन देयर बुक, राइट? दैट इज कॉल्ड एज पासबुक और दैट इज कॉल्ड एज बैंक स्टेटमेंट. तो वहां पर वर्डिंग आती है बेटा, जब रिसीट है ना, यहां पर रिसीट और पेमेंट, उसी चीज को पासबुक में अलग ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, उसको कहा जाता है क्रेडिटेड इन पासबुक या बैंक स्टेटमेंट. दूसरा क्या? डेबिटेड इन पासबुक, मतलब जब मैं बोलूं डेबिटेड इन कैश बुक मतलब रिसीट, क्रेडिटेड इन कैश बुक मीन्स पेमेंट, क्रेडिटेड इन पासबुक मीन्स रिसीट एंड डेबिटेड इन पासबुक मीन्स पेमेंट. एक्सपेंस भी बोल सकते हो. समझ में आ रही बात धन में? बोलो बोलो. हाँ, किसी को अड़चन इसमें? ये बात क्लियर एकदम? Shall I go ahead next point? Okay. अब sequence of the transaction करते हैं, थोड़ा सा sequence of transaction. Majority बच्चे को BRS नहीं आता है मेरे हिसाब से, जो मेरा analysis है वो, उस नलायक को sequence ही पता नहीं होता कि क्या sequence है, right? तो मैं इधर लिखता हूं cash book और क्या लिखता हूं? Passbook. तू मुझे sequence बताना, ठीक है? और हम sequence लिखेंगे 1-2 सब करेंगे ये चीज. पहली चीज, check received एंड डिपॉजिटेड, या चेक रिसीव नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली बोलूंगा चेक डिपॉजिटेड. न लाइक चेक डिपॉजिटेड, राइट? किसको पता चलता है? पहले पासबुक को पता चलता है कि कैश बुक को? किसको लग रहा है पासबुक को पता चलता है? प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव गॉट अ क्वेरी. न लाइक पहले चेक आएगा तेरे पास, फिर तू डिपॉजिट करेगा. तो जब चेक आएगा तो एंट्री कहां पे होगी? कैश बुक में. फिर किधर होगी? पासबुक में. तो पहली एंट्री होती है कैश बुक में, फिर कहां पे होती है? पासबुक में. तो ये चेक डिपॉजिटेड. अच्छा, चेक इश्यूड की एंट्री पहले कहां पे होती है? बिल्कुल सही. तुम पहले इश्यू करोगे फिर तो पता चलेगा ना पासबुक को. अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओ आई लव यू, पासबुक और फिर कहां पे? कैश बुक. समझ में आ रही ना बात धन में? अच्छा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट कहां पे? पासबुक. 1-2 चलो अभी ओरली पूछता हूं. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर पहले किसको पता चलता है? पासबुक. फिर किसको पता चलता है? कैश बुक. अच्छा, फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि चेक डिसऑनर्ड, पासबुक. फिर किसको? कैश बुक. अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि बैंक चार्जेस, पासबुक. फिर क्या है? कैश बुक. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. दैट्स लवली. सुनिए, आपका राइट हैंड बताइए. सब लोग राइट हैंड बताएंगे अपना अपना. राइट हैंड बताओ. हम आप पीके ही है क्या? पैर दिखा रही क्या तू? हाँ, मेरा राइट हैंड ये है और मुझे कोई ज्ञान नहीं बांटेगा सर आपका लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट हैंड है ये. तो मतलब आप आपके हिसाब से मैच करने के लिए मैं उल्टा करूंगा. तो ये क्या है? मेरा राइट हैंड. अच्छा, अब आप सभी लोग लेफ्ट हैंड बताइए. अब मैं पहले बोल रहा हूं पूरा इन्वॉल्व होके करोगे क्योंकि 10 मिनट की बात है, फिर आपका BRS पक्का. ये आपका कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड. मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है. समझ में आई बात धन में? अच्छा, छोड़ दो. पहले राइट हैंड के यहां पर लिख दो कैश बुक. नाटक मत करो, पहले ही बोल रहा हूं मैं, नहीं तो क्लास के बाहर निकालूंगा. जो बोल रहा हूं इज्जत से लिख, नहीं तो बाकी के लोग कंफ्यूज होंगे. होपलेस शैप. राइट हैंड के यहां पर लिखो बेटा कैश बुक. राइट हैंड बताओ तुम्हारा ये क्या है?
कैश बुक, दिस इज योर कैश बुक। प्लीज मैं आपके हिसाब से कर रहा हूं, ज्ञान मत बांटना सर, आपका लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट है, आपका भी राइट है, समझ में आ रहा है? सो राइट हैंड इज व्हाट? कैश बुक। लिख लो अपने अपने राइट हैंड पर कैश बुक, करो लिखो कैश बुक, लिखो लिख लो, दिखा है राइट हैंड कैश बुक। लेफ्ट हैंड क्या है? लेफ्ट हैंड इज पासबुक, पासबुक या बैलेंस शीट। मुझे नहीं समझा कहां है लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड क्या है और राइट हैंड क्या है? ठीक है, अब सब लोग ऋतिक के एक स्टेप करेंगे, ठीक है, बिना शर्मा ये इस नहीं नहीं टिडिंग टिडिंग नहीं, फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, सो करो, सो दिस बोथ आर व्हाट? इक्वल करो, इक्वल करो, इक्वल करो, ये इक्वल रहते शुरुआत में जब आप करते हो ना तब इक्वल। यस, आई होप आप सब लोग ऐसे ही हो, कोई ऐसा नहीं है, तो आई होप यू विल डू इट वेरी एक्टिवली, मेक इट इक्वल। जिनको जिनको क्वेरी डाउट है दे कैन डू इट, बट अदरवाइज इट इज इक्वल। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, मेक इट इक्वल, इज दैट ओके? फाइन, छोड़ दो। फिर बेटा मैं बोलूंगा आपको अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन मूव एनी हैंड। क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन मूव एनी हैंड, मतलब क्या? ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपका हाथ कोई भी लेफ्ट हो या राइट, यू कैन मूव इट, यू कैन ईदर मूव लेफ्ट हैंड और ईदर यू कैन मूव राइट हैंड। आई हेल्प यू आउट हाउ टू डू इट। ध्यान रहे, हाथ ऊपर या नीचे जाना होना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सो यू आर गोइंग टू डू व्हाट? मूव एनी हैंड अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन। सो राइट डाउन द स्टेप नंबर वन, मेक बोथ द हैंड्स इक्वल। एक कुछ बच्चों को है ना अभी भी रिलक्टेंस है कि सर मैंने पहले वाला बीआरएस सीखा था वो मेरे को परफेक्ट जाता है, अब मैं नया नहीं सीखूंगा। मेरे पर भरोसा रखो, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी तो पक्का हूं कि आपको 20 मिनट में पढ़ा रहा हूं तो गुंडाड़ूंगा नहीं, आपको इससे आंसर आएगा। मगर अगर आपका रिलक्टेंस रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं रिलक्टेंस है, मेरे पर भरोसा मानो, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी। मैं रिविजन बैच भी ले रहा हूं तो बीआरएस में आई मेक इट अ पॉइंट दैट यू शुड बी एबल टू आंसर इट। मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन में एमसीक्यूज पर भी नहीं जाऊंगा, फर्स्ट आई सॉल्व वन क्वेश्चन एंड देन आई कम टू द एमसीक्यूज। आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी, सो डू नॉट वरी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट फेथ रहेगी तो मैं करवा दूंगा आपसे, आपका कंफ्यूजन निकाल दूंगा, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, बट हैव ट्रस्ट, इज दैट ओके? सो फर्स्ट वन, मेक बोथ द हैंड्स इक्वल। दूसरा चीज, राइट, मूव एनी हैंड, मूव एनी हैंड अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, राइट, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन यू हैव टू मूव एनी हैंड, राइट। लिख लो अभी। थर्ड स्टेप, फ्रीज द हैंड फॉर विच यू डू नॉट नो, डू नॉट नो द बैलेंस। जिस चीज का बैलेंस आपको पता नहीं है उस हाथ को फ्रीज करो। ये भी स्टेप कई सारे बच्चों को पता नहीं होती और जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग जाता है। नाउ व्हाट डज दिस स्टेप मीन? देखो इस स्टेप का मीनिंग, सभी का ध्यान अटेंशन इधर। बेटा आपको ऐसा दिया जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000। फिर आप क्या करते हो, एड लेस कर किसका बैलेंस निकालते हो? पासबुक का। से यस, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस पता है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस निकालना है वो पता नहीं है आपको बैलेंस। जैसे आपको ऐसा बोला जाएगा एमसीक्यूज में, स्टार्टिंग विद द कैश बुक, दैट मींस यू नो द बैलेंस ऑफ कैश बुक, यू डज नॉट नो द बैलेंस ऑफ पासबुक। इन द गिवन सिनारियो, अगर मान लो 10 ट्रांजेक्शन है, कितनी 10, और आपको शुरुआत में लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक इज 15,000, बैलेंस एज पर पासबुक इज हाउ मच? 15,000। मेरा भरोसा मानो कि पूरे 10 ट्रांजेक्शन के लिए आपको पासबुक का बैलेंस पता है, कौन सा बैलेंस पता नहीं है? कैश बुक। तो आपको उस हाथ को फ्रीज करना है जिसका बैलेंस आपको पता नहीं है, जिसका पता नहीं है इसका ट्रांजेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है,
ये एग्जामिनर देगा स्टार्टिंग विद कैश बुक, मतलब कौन सा बैलेंस पता है कैश बुक, कौन सा बैलेंस पता नहीं है पासबुक। अगर वो बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक इज 75,000, मतलब आपको कौन सा बैलेंस पता है पासबुक, कौन सा पता नहीं है कैश बुक। अगर वो आपको ऐसा बोलेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, मतलब कौन सा बैलेंस पता है पासबुक, कौन सा बैलेंस पता नहीं है कैश बुक। आई होप यू गेट माई पॉइंट। जो बैलेंस आपको पता नहीं है उस हाथ को आपको क्या करना है फ्रीज। अब हम सीखेंगे फ्रीज कैसे करते हैं। देखिए देखो सुनो, मैंने अगर आपसे कहा कि बैलेंस एज पर कैश बुक इज 45,000, ओके कौन सा बैलेंस पता नहीं है पासबुक, बताओ पासबुक का आपका हाथ कौन सा है, ये वाला राइट, ये वाला हाथ है। तो आप देखो बेटा मैं फ्रीज कैसे करता हूं, इक्वल मान लो ऐसा गया, मान लो ऐसा गया, फ्रीज करना क्यों जरूरी मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज आंसर। ऐसा हो गया कुछ, फिर मैं फ्रीज हो गया ना, गो बड़ू लग लगा फ्रीज, अब ये नहीं हिलेगा, ये हिल रहा है क्या, देखो ये नहीं हिल रहा है, ये नीचे आएगा तो लेस होगा। फ्रीज नहीं करने का नुकसान क्या है, देखो फ्रीज नहीं किया ये रीजी है। अब कुछ बच्चे एग्जाम में हाँ लेस, कुछ बच्चे हाँ ऐड, दोनों ही ऑप्शन है एग्जाम में, पेपर ले सोपा होता। समझ में आ रही है क्या बात, ध्यान में, फ्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी जगह पे चीज बताई नहीं जाती कि आपको हाथ फ्रीज करना है, हाथ फ्रीज नहीं करोगे तो कितनी रिस्क है। अब ये बच्चे को क्या पता टेंशन में, चलो फ्रीज ही नहीं किया, ये बच्चा नीचे नहीं लेगा, ऊपर भी तो जा सकता है ना हाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फ्रीजिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और बहुत सिंपल लॉजिक है, जिसका बैलेंस पता नहीं है ना उसको फ्रीज कर दो। समझ में आया बात ध्यान में, तो चलो लो इक्वल राइट, ऐसा कर दो, अभी कर दो जैसा, अरे पोपट बोला ना बजा के दूंगा साले, ये हाथ तेरा मेरा बराबर है, कर ऐसा, उल्टा क्यों कर रहा है गाड़ो। हाँ चलो ऐसा लो, हाँ अब मैं बोल रहा हूं कैश बुक को फ्रीज करो, कर कर दिखाओ, कहा मुझे शिक मत करो, आवाज ये बताओ, हाँ ये समझ में आया क्या, कैश बुक ये फ्रीज, समझ में आया क्या। अब क्या करोगे इस ट्रांजेक्शन में, लेस, सभी को लेस समझ में आ रहा है, क्यों हो रहा है, चलो लो इक्वल, अभी ऐसा कर दो कैश बुक को फ्रीज कर कर बताओ, ये समझ में आ रहा है, प्लीज मस्ती मत करो, झोल हो जाएगा बाद में, फिर क्या करेंगे ऐड, इसमें ऊपर जाएगा ऐड, एग्रीड। चलो एक ट्रांजेक्शन ऐसी हुई जिसके अंदर इस तरीके से लो ऊपर सभी लोग राइट, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं पासबुक को फ्रीज करो, ये जाएगा आगे, समझ में आ रहा है ना, ये आगे जा रहा है, अब ये हिल रहा है क्या, नहीं, तो क्या करोगे लेस राइट। चलिए अभी वापस से एक बार एक साथ ले लेते हैं, हाँ करो कैशबुक को फ्रीज करो, ये फ्रीज हो गया ना, हाँ फिर क्या करेंगे लेस, सभी को समझ में आ रहा है क्या करना है। तो मतलब फ्रीज करना पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है, फ्रीज नहीं करोगे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फ्रीज करना पड़ेगा। आई होप अभी आपको समझ में आई। तो दो चीजों का बीआरएस में ध्यान में रखना, अगर आप आसानी से आंसर निकालना चाहते हो तो दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पहली चीज कि ट्रांजैक्शन कहां पे हुई, सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब चेक डिपॉजिटेड, मैं अकेला करूंगा आपको बता रहा हूं, काले उठो वहां से, उठो वहां से और आकर बैठे यहां पर, मेरे को लग रहा नहीं था रिविजन बैच में बोलूंगा मगर अभी तक तुमको अक्कल ही नहीं आ रही तो क्या करूं, आकर बैठे यहां पर भी नीचे। हाँ सुनो, कैशबुक और पासबुक कहां पे ट्रांजैक्शन हुई पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि आपको हाथ के मूवमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प वही करता है। जैसे एक एग्जांपल, चेक डिपॉजिटेड एंट्री कहां पर होगी पहले, याद आ रहा है तुमको मैंने सीक्वेंस किया था, तो एंट्री पहले कैशबुक में, इसका बैलेंस बढ़ गया। अगर मान लो बोलेंगे कि कैशबुक का बैलेंस पता नहीं है तो किसको फ्रीज करूंगा, इसको, और फिर मैं क्या करूंगा एड राइट। वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि पासबुक का बैलेंस मालूम नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो देखो वापस लिया मैंने इक्वल, चेक डिपॉजिटेड पहले एंट्री कहां पे हुई कैशबुक, ये बैलेंस बढ़ गया राइट, एंट्री कहां पर हुई है कैशबुक में। अब मैं बोल रहा हूं बैलेंस मान लो, ऐसा भी दे सकते हैं पासबुक का पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा फ्रीज, फिर क्या करेंगे लेस। ये समझ में आ रही है बात, किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें। तो दो चीजें आपको इंपॉर्टेंस ध्यान में रखनी है, एक सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, सेकेंड चीज किसको फ्रीज करना है। मैं दोनों ही चीजों पर समय समय पर आपको याद दिलाते रहूंगा, बट दो चीजें आपके दिमाग में बैक ऑफ माइंड में भी ध्यान में रखना, कौन सी, एक व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द सेकंड वन इज विच हैंड टू बी फ्रीज्ड। ये दो चीजें करोगे बस मेरे भरोसे पे छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए
मैं क्वेश्चन आपके सामने ओपन करता हूं जो मेरे रेगुलर क्लास वर्क का है, वो क्लोज क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17। सेवन। तो आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, की थोड़ा बड़ा करूं और अब ठीक है, एक सेकंड। वी आर देयर ऑन नाउ क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज कोई घाई नहीं करेगा, एक क्वेश्चन मेरे के साथ कर लो बस काफी है। सुनिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स कृष्णा एंड कंपनी शोइंग द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक एंड मार्च 31, 2006। ऑन मार्च 31, 2006 द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक वॉज 9,800। बेटा किसके हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक। कौन सा बैलेंस पता नहीं है? पासबुक। किसी को डाउट नहीं? अच्छा एक काम करते, दूसरे क्वेश्चन में यहां पर लिखा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 10,000। कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? कौन सा बैलेंस पता नहीं है? फ्रीज कौन सा हैंड होगा अगर क्वेश्चन 8 के बाद? कौन सा? कैश बुक फ्रीज होगा। क्यों फ्रीज होगा? क्योंकि इसका बैलेंस पता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा बैलेंस फ्रीज होगा? 7th में पासबुक, क्योंकि कौन सा बैलेंस दिया हुआ बेटा? कैश बुक। कैश बुक दिया हुआ है तो हम फ्रीज कौन सा करेंगे? पासबुक। किसी को डाउट इसमें? ये बात क्लियर होती है, ठीक है। अब देखो सुनते हैं, द फॉलोइंग चेक्स वर पेड इन टू द फर्म्स बैंक करंट अकाउंट इन मार्च 2006 बट वर क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब क्या हुआ बेटा? क्रेडिटेड इन दी बट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब क्या है? कि उन्होंने रिसीट दिखाया, मतलब मैंने चेक डिपॉजिट किए थे, हाँ या ना? बेटा मुझे एक बात बताओ, पहले ट्रांजैक्शन कहां पर हुई? सभी को क्लियर हो रहा है कि जब चेक डिपॉजिट होता है तो पहली ट्रांजेक्शन कैश बुक में होती है, फिर वो जाके चेक डिपॉजिट होता है बैंक में, फिर बैंक को एंट्री होती है। एग्रीड? BRS कौन सी डेट का बन रहा है? 31st मार्च 2006। बेटा जो चेक 31st मार्च के पहले क्लियर हो जाएंगे वो BRS का पार्ट नहीं होंगे, मगर जो चेक 31st मार्च के बाद में बैंक में क्लियर होंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ BRS। आई सपोज कि इतना कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप में है। मतलब सपोज इफ आई चेक डिपॉजिटेड ऑन 29th मार्च एंड द चेक इज क्लियर्ड ऑन 31st मार्च, ये BRS में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रांजेक्शन किसके पहले खत्म हो गई है? 31st मार्च। मान लो मैंने चेक डिपॉजिट किया है 29th मार्च को और चेक क्लियर हुआ है 4th अप्रैल को, तो 31st मार्च के दिन ये BRS के स्टेटमेंट में आएगा क्या? यस। ये बात क्लियर होती है आपको? चलो तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते बेटा क्या लिखा है। द फॉलोइंग चेक्स वर पेड इन टू द फर्म बैंक करंट अकाउंट इन मार्च 2006 बट वर क्रेडिटेड बाय बैंक इन अप्रैल 2006। मतलब हमने डिपॉजिट कब किए? मार्च में, और वो बैंक में कब जमा हुए? अप्रैल में। बेटा मुझे बताओ हम BRS कौन से तारीख का बना रहे? 31st मार्च 2006। मतलब मार्च के पहले एक ट्रांजेक्शन हुई है और एक ट्रांजेक्शन डिपॉजिट की बैंक में अप्रैल में हुई है, तो 31st मार्च के दिन ये आइटम पेंडिंग है। समझ में आ रही बात है? नाउ लेट्स टेक इट अप इक्वल, राइट? इक्वल लिया, ओके सभी लोग इक्वल लो। जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस क्या होता है? अब तुमको सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन याद है, कैश बुक में हुआ है इसीलिए मैं कैश बुक में इफेक्ट दूंगा, मूव एनी हैंड, तो कौन सा? कैश बुक। तो मुझे बताओ चेक डिपॉजिट हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, राइट? तो पहले कितने चेक है? रमन का है, चांद्राम का है और मोहन का है। तो देखो रमन का बढ़ा 400,
चांद्राम का बड़ा 300 और मोहन का बड़ा 200, दो बार गया। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? कौन सा बैलेंस मालूम नहीं? पासबुक। पासबुक कहां पे आपकी? ये वाली है, फ्रीज करो इसको, ये फ्रीज हो गया। अब ये हाथ ऊपर जाता है क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेस। लेस बाय हाउ मच माय डियर फ्रेंड? द आंसर इज 400, 300 एंड 200, 900। तो बेटा इसको लिखेंगे लेस। लेस विद हाउ मच? 900। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखते आप दे सकते हो क्या। इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सभी का अटेंशन। द फॉलोइंग चेक्स वर पेड इन टू द फर्म्स बैंक करंट अकाउंट इन मार्च 2006 बट वर क्रेडिटेड इन बैंक इन अप्रैल। रमन का 400, चांद का 400, मगर मोहन का मार्च में ही क्लियर हो गया था। मोहन का मार्च में ही क्लियर हो गया था। तो बेटा व्हाट वुड बी द पार्ट ऑफ बीआरएस? 700। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करते बेटा, थर्ड करते, सेकंड हो गया ना, थर्ड करते। द फॉलोइंग चेक्स वर इश्यूड बाय द फर्म इन मार्च 2006 बट वर कैश्ड इन अप्रैल 2006। गोपालन एंड कृष्णा, मतलब हमने इश्यू कब किया था बेटा चेक? मार्च, मगर वो क्लियर कब हुए? अप्रैल में। बेटा इश्यू का मतलब है टू पे। इश्यू का मतलब क्या है? टू पे। तो बेटा कहां पर एंट्री पहले हुई? कैश बुक। लो इक्वल, पहली याद करो मैंने क्या बताया था कि जहां पर सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है, जहां पर एंट्री हुई है वहां पर करो। सीक्वेंस के हिसाब से पहले एंट्री कहां पे हुई होगी? कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस बड़ा होगा या कम हुआ होगा? कम। एक दो, एक दो कौन सा बेटा कितना है? 500 और कितना? 250। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? करो फ्रीज। यही फ्रीज होगा हमेशा, राइट? फिर हम क्या करेंगे? ऐड। कितने से ऐड? 700, 750 है ना, ऐड। आई होप ये समझ में आ रहा है। चलिए फोर्थ वाला बेटा। द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 180। बेटा क्रेडिट ऑफ 180 पासबुक में मतलब डिपॉजिट है कि विड्रॉ है? पूरी क्लास सोचकर बताएगी डिपॉजिट या विड्रॉ? डिपॉजिट, क्लियर होता है। अच्छा आगे क्या? एंड ऑफ फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस। ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इंटरेस्ट वाला। चलो इक्वल लो, अभी मैं आपसे देखना चाहता हूं, आप मुझे बताओ ट्रांजैक्शन पहले कहां पर हुई है? इंटरेस्ट पहले किसको पता चलता है? पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ाओ, बराबर है ना, लॉजिक लगा। पहले सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, फिर कौन सा बैलेंस पता नहीं है, बराबर है? सभी को पता है पासबुक पता नहीं। पासबुक को फ्रीज करो, फिर क्या होगा? एड। तो ये होगा एड। एड कितने से बेटा जी? 180 से एड। प्लीज गिव योर 100%, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, भरोसा रखो। गिव योर 100%। नेक्स्ट, अ डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस। बेटा बैंक चार्जेस डेबिट हुए, इसका मतलब ये विड्रॉवल है कि डिपॉजिट है? विड्रॉवल, क्योंकि डिपॉजिट डेबिट बोला है, हाँ या नहीं? तो मुझे बताओ पासबुक के इसमें एंट्री हुई है कि पहले कैश बुक में हुई? तो पहले आपने दिमाग में क्या भरा? सीक्वेंस। लो इक्वल, ओके। मुझे अब बताओ बैंक चार्जेस क्या होंगे? पासबुक का बैलेंस कम। पासबुक कौन सी है आपकी? चलो करो कम, ये कम। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक। फ्रीज। क्या करेंगे? लेस। कितने से लेस होगा बेटा ये? 40। घाई मत करो, एकदम आराम से करो, राइट? नाउ रीड इट। द पासबुक ऑल्सो कंटेन्स एन एंट्री फॉर 240 बींग पेमेंट मेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इन टू द बैंक। लो इक्वल, किधर एंट्री हुई है आपके हिसाब से? पासबुक का बैलेंस बढ़ाओ, बराबर है? ये सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? फ्रीज। क्या करेंगे? एड। कितने से एड होगा? 240, राइट? तो फ्रीज करना और सीक्वेंस ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट्थ भी एक कर लेते हैं, एट्थ भी कर लेंगे, फिर मुझे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करनी है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो समझ लो बैंक ओवरड्राफ्ट रसगुल्ला है, बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई दम नहीं है। ये देखते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2003 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? कौन सा बैलेंस पता नहीं है? कौन सा हाथ फ्रीज होगा? बताओ कैशबुक कौन सा है? ये वाला। समझ में आ गई बात? ध्यान में, गिव योर 100%, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक
हाय रब्बा, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक, क्लियरली बोला। जनरली तुम मुझे बोलोगे कि सर सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन के हिसाब से कैश बुक में एंट्री होती है, बराबर है, मगर एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि हमने भूल गया एंट्री करना है, हम कहां पर डिपॉजिट कर दिए, डायरेक्टली बैंक में, तो चेक क्लियर कहां पे हुआ, बैंक में। कैश बुक में एंट्री हुई है क्या, नहीं, लो इक्वल, कहां पर एंट्री हुई है, पासबुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पक्के से, कैसे पता चला सर कैशबुक का मालूम नहीं, हाँ तो क्या करेंगे, फ्रीज, क्या होगा, लेस, ठीक है, तुम थोड़ा सा खुलकर करो, मैंने एक बार भी नहीं देख पाया मैं तुमको, तुम और तुम भी छोरी जो शॉल पहनी हुई है, हाँ खुलकर कर थोड़ा सा, मुझे दिख नहीं रहा है, जब तक तुम यहां पर हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पूरा खुलकर करो, ऐसा रखकर मत कर, हाँ खुलकर कर, ये कौन सा हो गया बेटा जी, ये चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, बेटा जब चेक रिसीव होता है तो एंट्री कहां पर होती है, कैश बुक, लो इक्वल लो, हाँ बताओ मुझे एंट्री कहां पर हुई है, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, कौन सा मालूम नहीं है, कैश बुक, तो क्या करेंगे, फ्रीज, फिर क्या करेंगे, ऐड, ये क्या होगा, ऐड, क्लियर है ना, चलो एक बार वापस करेंगे, अब आप कर कर बताओ मुझे सब लोग, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, पहली चीज क्या आएगी दिमाग में, सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, सीक्वेंस कहां पे हुआ है, कैश बुक, ये समझ में आ रहा है सभी को, किसी को इसमें डाउट, हाँ तो बेटा कैश बुक का बैलेंस बढ़ाओ, चलो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, सेकंड वापिस कर रहे, हाँ अब मुझे बताओ कौन, ए काले है करो ना, हाँ हाँ नलक, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, कैसे पता चल रहा है, लाइन नंबर वन, राइट, फ्रीज करो कैश बुक को, फ्रीज करो, फ्रीज हो गया, फिर क्या होगा, ऐड, समझ में आई ना बात, ध्यान में, तो ये आएगा ऐड, अगला ट्रांजैक्शन देखो आपको कितना इजीली कराता हूं मैं, राइट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश शॉर्ट, बेटा क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब, बैंक कॉलम मतलब क्या, कैशबुक या पासबुक, आवाज नहीं आती है, क्लियर है बेटा, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इज कैश शॉर्ट, मतलब उसकी टोटल कम हुई है, अब क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड या रिसीट साइड, पेमेंट साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, मतलब अगर पेमेंट कम हुआ तो बैलेंस बढ़ेगा, क्लियर, लो इक्वल, देखो मैं कैसे करता हूं, किधर का बैलेंस बढ़ेगा, कैशबुक या पासबुक, कैशबुक या पासबुक, कमऑन कॉमन सेंस है, कैशबुक, क्योंकि कैशबुक में एरर हुआ तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा, ये कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, क्या कर देंगे, फ्रीज, क्या करेंगे, ऐड, सॉरी इतना इजी है बेटा, ये इतना ही इजी है, मैं बोलूंगा वापस करो एक बार, ये अब तुम मुझे बताओगे कैसे सोचा मैंने, कहां पे लोचा हुआ है, लोचा कहां पे हुआ है, कैशबुक, बोला है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इज कैश शॉर्ट, तुमको अब बैलेंस की ट्रिक तो मैंने समझा दी है, बैलेंस की ट्रिक क्या है, R is directly proportional to B and P is inversely proportional to B. इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रेडिट साइड कम हुई मतलब पेमेंट साइड कम हुई, पेमेंट साइड कम हुई तो बैलेंस बढ़ जाएगा, किसका बैलेंस बढ़ेगा, कैश बुक, तो मैंने लिया इक्वल, किसका बैलेंस बढ़ा, बढ़ा दो, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, कैश बुक, फ्रीज, क्या करेंगे, ऐड, तो ये क्या होगा बेटा जी, ऐड, चलिए अब हम अगली बात करते हैं बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस, लो इक्वल, कहां पर हुई है एंट्री, पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, क्या करेंगे, ऐड, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, सीक्वेंस, दूसरा क्या, कौन सा हाथ, फ्रीज करना, बाकी का सब भाड़ में जान दो, दोनों को इक्वल करो, पीबी बैलेंस सीबी बैलेंस इक्वल, भाड़ में जान दो, ये दो चीजों को अगर ध्यान में रखोगे एग्जाम में आंसर आएगा, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, लो इक्वल, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते, ये देखो कैश बुक में बैलेंस कम हुआ, एक दो जंप है, कैश बुक में दो बार एंटर हुआ बोला ना, देख रहे बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, इसने कंफ्यूज किया वापस, लो इक्वल,
बताओ अभी कहां पे एंटर हुआ जो छोरा तू बोल रहा था कहां पे हुआ है कैश बुक कितनी बार कम होगा कैश बुक में कम होगा ना कितनी बार दो बार एक दो पासबुक में कितनी बार कम होगा एक बार एक डिफरेंस कितने का है एक बार समझ में आता कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है लेस कितना अमाउंट आएगा छोरे 20 लेस हां या ना हां अगला चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सीक्वेंस के हिसाब से पहले ये ट्रांजैक्शन कहां पे होती है कैश बुक तो अब कौन से हाथ को इफेक्ट देना समझ में आया चलो करो 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 करो, करो लिखो कहां पे कम होगा तन्वी करना लाइक हां क्या होगा कैश बुक कम कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है लेस चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक लो अभी आप इक्वल मुझे बताओ चेक रिसीव्ड कितनी बार एंटर हुआ कैश बुक में दो बार राइट तो करो एक दो किधर किया कैश बुक पासबुक में कितनी बार करोगे एक बार कितने का डिफरेंस हुआ एक बार फ्रीज किसको करोगे फ्रीज क्या करोगे ऐड कितना ऐड करोगे 1000 समझ रहा है ना तू नेक्स्ट बिल डिस्काउंटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लो इक्वल बिल डिस्काउंटेड का मतलब समझ में आ रहा है ना पैसा आता है जाता नहीं है आता है अच्छा कहां पे आता है बेटा पहला पैसा किधर किसको मालूम पड़ता है पहले कैश बुक को पासबुक जमा करती है अपने बैंक अकाउंट में ना तो करो बेटा इक्वल अब बताओ मुझे डिस्काउंट करने के बाद में एंट्री कहां पर हुई पासबुक पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो बढ़ गया कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है फ्रीज फिर क्या करोगे लेस सो इट शुड बी लेस इफ यू हैव गॉट अ क्वेरी प्लीज रेज द क्वेरी आई विल हेल्प यू आउट किसी को क्वेरी है तो बता दो नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट सीक्वेंस के पास चलता हूं आपको नेक्स्ट बताता हूं बीआरएस में और क्या चीजें आती है कोई क्वेरी किसी को भी या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है दूसरा जो कंफ्यूजन होगा दिल में चलो फिर आगे ओके सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट ओडी सुन रहा है ना तू ओडी ओडी के बारे में बस तुम्हारी इसी दो टके की स्माइल के लिए करता हूं मैं सुन ओडी के बारे में बात करता वड़ू ध्यान से सुन ओडी की बात चल रही है ओडी की बात चल रही है बेटा ओडी को आप जानते ही नहीं हो कोई जानता है ओडी को बीआरएस में मेरी बात सुन लो आप ओडी को जानते ही नहीं हो आप जानते हो बैलेंस को अगर आपने ओडी से शुरू किया तो आप ओडी को जानते ही नहीं हो आप जो भी करोगे अभी तक जो भी मैंने सिखाया सब कुछ सेम टू सेम है ओडी को जानते ही नहीं हो आप आंसर निकाल लोगे बैलेंस समझकर और फिर ऐसा करने का उल्टा मैं कराऊंगा अभी आपको क्या करने का इफ यू स्टार्ट विथ ओडी डू एवरीथिंग लाइक बैलेंस और जो ऐड आया तो बोलने का ऐसा लेस जो लेस आया तो क्या बोलने का ऐड यू हैव टू जस्ट डू वन मोर स्टेप अहेड जो आया उसका क्या उल्टा राइट एक कर देखेंगे अभी उल्टा कैसे होता देखो मान लेते हैं ये बैंक बैलेंस नहीं है ये लिख लेते ओडी है ये क्या है बेटा जी ओडी है मैंने क्या बोला आप ओडी को जानते हो क्या नहीं स्टार्टिंग पॉइंट इज ओडी इतना समझो आप तो मुझे अरे नालायक हां सुन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओडी देखो ओडी एज पर पासबुक ऐसा दिया है तुम ओडी को जानते हो क्या नहीं ओडी का दूर दूर तक का संबंध नहीं है आपका अब देखते हैं सुनते बेटा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक लो इक्वल राइट अब बेटा क्या होगा चेक डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा ये मैंने बढ़ा दिया मगर एंट्री हुई है क्या कैश बुक में छोरे फिर क्या कर रहा है पागलपन बता मुझे कहां पे एंट्री हुई है फिर इक्वल लो नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक तो एंट्री कहां पे हुई पासबुक कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है श्योर ये फ्रीज ये क्या होगा लेस ओवरड्राफ्ट से चालू किया उल्टा ऐड समझ में आया यू लव इट उल्टा ऐड चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी अगर ओडी से शुरू करता चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक लो इक्वल चेक रिसीव्ड मगर बैंक में नहीं भेजा तो एंट्री कहां पर हुई
कैश बुक, तेरे बाजू वाले को बोल। हाँ गधेड़े है, पास होने का है ना तेरे को, जिन जिन बच्चों को पास होना है, कोई दूसरा बात कर रहा बजा के दे, इस क्लास में परमिशन है। हाँ लो इक्वल, मस्ती मत, मस्ती नहीं, चेक, अरे बाबा ओडी सुन रहे, चेक डिपॉजिट नहीं, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, कहां पर सीक्वेंस में फर्स्ट होगा, कैश बुक। तो वही काम करने का, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, राइट। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, कैश बुक। फ्रीज क्या करेंगे, एड, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ओडी, उल्टा लेस, बस इतना ही है, ओडी को जानते नहीं, एक लेस, ठीक है। सुनिए अभी, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम वॉज कैश शॉर्ट, राइट। क्रेडिट साइड मतलब कौन सी साइड बेटा, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड कम हुई तो बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहां का बैलेंस बढ़ा, कैश बुक का, मैंने वापस इक्वल लिया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, क्या करूंगा, एड, एड का उल्टा लेस, तो ये लेस, समझ में आ रहा है। तो जब बैंक ओडी से शुरू करो तो एक स्टेप और ऐड कर देना, क्या, जो ऐड का हो जाएगा लेस और लेस का क्या हो जाएगा उल्टा ऐड। लेट्स गो अहेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग एडवाइस। अब आप मुझे कर कर बताओ, आप ओडी को जानते ही नहीं हो, हाँ लो आप कर कर देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड तो क्या हुआ होगा, पासबुक का बैलेंस कम कर दो, कम, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, क्या करोगे, ऐड, ऐड का उल्टा लेस, वेरी गुड। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, हाँ भैया ध्यान से करना, ध्यान से करना, लो इक्वल, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस, तो क्या हुआ होगा, बैंक चार्जेस कैश बुक में एंट्री दो बार, बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा या कम, कम, बैंक चार्जेस का बैलेंस करो कम, एक दो, पासबुक में कितनी बार होगा, एक बार, ये समझ में आ रहा है ना। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, क्या करेंगे, लेस, लेस का उल्टा एड, ये क्या हो जाएगा, एड, अरे समझ में आ रहा है ना, ये मतलब पहले बैलेंस के हिसाब से करो और ओडी से शुरू किया था उल्टा कर देना। सुनो ध्यान से, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, बेटा मुझे एक बात बताओ, चेक इश्यूड मतलब एंट्री कहां पे हुई होगी, कैश बुक, लो इक्वल, चलो अम्मा उठो, हाँ उठ जाओ अम्मा, हाँ उठ जा, चलो जगह दो उसको, तन्वी निकलो बाहर, जगह दो, नहीं सॉरी, नहीं मैं सॉरी बोलकर उठा रहा हूं तुझे, चल, अरे उठ ना, लाइक टाइम के पास कर, खड़े हो जा, एक मेरा साला वीक पॉइंट पकड़ते हो तुम, चलो छोड़ो बर्थडे तो छोड़ दो, चलो नलायक मत बोल यार, क्या है, सुनो बेटा, अगला, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, कहां पर एंट्री हुई है बेटा, कैश बुक, लो इक्वल, क्या करेंगे, बताओ क्या करोगे, किसका बैलेंस कम करूं, कम, इश्यूड बोला ना, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, क्या करेंगे, लेस का उल्टा एड, आई होप यू आर एबल टू डू इट नाउ, चलो अभी अगला तुम करो, मेरे को नहीं आता है, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस कितनी बार बढ़ेगा, एक दो, पासबुक का कितनी बार बढ़ेगा, एक, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, एड का उल्टा लेस, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड नॉट रिकॉर्डेड, चलो लो इक्वल, लो इक्वल, हाँ क्या होगा, बिल डिस्काउंटेड कहां पर एंट्री हुई होगी, हाँ जी पासबुक, चलो करो, हाँ इधर एंट्री हो गई है, कहां का बैलेंस पता नहीं है, फ्रीज, क्या करेंगे, लेस का उल्टा एड, दैट्स इट अबाउट दी ओडी, आई थिंक अभी ओडी भी आ जाएगा। अब और एक लफड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, कितने लोगों को एडजस्टेड कैश बुक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ओके सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक, ध्यान से सुनते हैं बेटा, क्या होता है कि BRS इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर, एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली, BRS इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर। अब बात मुझे बताओ, बैंक चार्जेस है, क्या है, बैंक चार्जेस है, उसकी एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको BRS में दिखाकर कोई फायदा नहीं है। सो बेटा दो टाइप की चीजें ध्यान में रखना,
कि आपको एंट्री कर फिर बीआरएस करना है, मतलब मान लो चेक डिसऑनर्ड, उसको बीआरएस में दिखाकर क्या फायदा, उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। बैंक चार्जेस, उसको बीआरएस में दिखाकर कोई फायदा नहीं है, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसको भी बीआरएस में दिखाकर क्या फायदा बेटा, उसकी भी क्या करनी पड़ेगी, एंट्री। जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से आपने ईएमआई भरी या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो बेटा उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा अपने को। पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा मतलब क्या, एंट्री करनी पड़ेगी कैश बुक में। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हम एंट्री नहीं करेंगे, हम बीआरएस में दिखाएंगे, वो तो गलत होगा ना। तो जो चीजें बैंक ने की है, एनी राइट एंट्री बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब बैंक ने किया है और वो सही है, देन वील हैव टू व्हाट, रिकॉर्ड। सो मैं आपको एडजस्टेड कैश बुक में कौन से आइटम रिकॉर्ड होते हैं उसके बारे में बता रहा हूं, और आप टेक्निकली मुझे बताना सही हूं कि नहीं। फर्स्ट, एंट्रीज इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मगर एंट्रीज इन बैंक कौन सी होनी चाहिए, राइट एंट्रीज। जो बैंक में एंट्रीज हुई है करेक्ट है, कहां पर रिकॉर्ड नहीं हुई है, कैश बुक में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा, लॉजिकल है ना। जैसे अभी राइट एंट्रीज गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस, चेक डिसऑनर्ड, राइट, ये सारी एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में हो जाती है, वो आपको कहां पर करनी पड़ती है बेटा जी, कैश बुक में भी। से यस, तो जहां पर आप एंट्री करते हो ना उसको कहते हैं हम एडजस्टेड कैश बुक। दूसरी बात सुनते, रॉन्ग एंट्रीज इन कैश बुक। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आपने अभी अभी बोला बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, उसको रहने दोगे कैश बुक में ऐसी? अगर आपको मिस्टेक समझ में आ रही है तो मिस्टेक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं। सो एनी रॉन्ग एंट्रीज इन द कैश बुक शुड बी रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड कैश बुक। समझ में आ रही ना बात देन में? जैसे अभी एक देखो, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड इन बैंक, मगर कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, ट्रांजेक्शन नंबर वन हमने जो थोड़ी देर पहले की, याद आ रहा है क्या? अब बेटा अगर आपने चेक डिपॉजिट किया, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड करोगे ना, हाँ या नहीं? तो जो कैश बुक की मिस्टेक्स है वो एडजस्टेड कैश बुक में आती है बेटा। इन टोटलिटी ये दो ही चीज एडजस्टेड कैश बुक में आती है, तीसरी चीज नहीं आती। तो अब मैं आपको तीसरी चीज कौन सी, देखो, एंट्री है कैश बुक में, पासबुक में नहीं है, तो क्या एडजस्टेड कैश बुक में आएगी क्या? नहीं। एक एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, इसमें एंट्री कहां पे हो गई है, कैश बुक में। एंट्री कहां पर नहीं हुई है, पासबुक में। आप बैंक की चेयर पर जाकर नहीं बैठ सकते हो, तुम उठो मेरे को एंट्री करनी है, नहीं। आप एडजस्टेड कैश बुक में जो बैंक ने कर दिया है और आपने नहीं किया वो एक एंट्री कर सकते हो, या जो आपने किया है मगर वो मिस्टेक है, दो बार रिकॉर्ड हो गया, या फिर गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया, या ओवरकास्टिंग हो गई, अंडरकास्टिंग हो गई, जो कैश बुक की मिस्टेक है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कितनी एंट्री एडजस्टेड कैश बुक में जाती है, सिर्फ दो। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं। कितनी एंट्रीज एडजस्टेड कैश बुक में जाती है, दो। पहली वाली कौन सी, एंट्रीज इन द बैंक एंड करेक्ट है, राइट एंट्रीज है, बट नॉट रिकॉर्डेड वेयर, इन कैश बुक, वो एंट्री जाती है। और दूसरी क्या, रॉन्ग एंट्रीज इन द कैश बुक, ये भी कहां पर जाती है, एडजस्टेड कैश बुक। इसके अलावा कोई एंट्री एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाती। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टेड कैश बुक बनती कैसे बताता हूं। बेटा एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनती है, आप यहां से शुरू करते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी है ब्रॉट डाउन। तो स्टार्टिंग बैलेंस आपको दिया होगा कहां पे, जैसे अभी पिछली प्रॉब्लम में, ये पिछली प्रॉब्लम ओपन करूंगा, ये देखो, ये यहां पर ये वाली प्रॉब्लम देखो, देखो द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक वॉज 9800, ये दिख रहा है क्या? तो आप स्टार्ट कहां से करोगे पता है क्या, 9800 से, बोलो हाँ। अब देखो इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं कि कौन सी चीजें एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी, समझ में आ रहा है क्या? स्टेप नंबर वन होती है एडजस्टेड कैश बुक बनाना, स्टेप नंबर टू होता है बीआरएस बनाना। स्टेप नंबर वन क्या, एडजस्टेड कैश बुक, स्टेप नंबर टू क्या, बीआरएस बनाना, राइट। अब देखते बेटा जी, इसमें ये कैश बुक का बैलेंस दिया, तो मैं 9800 कहां पर लिखूंगा बेटा जी, अगर तुम समझ रहे हो तो इधर 9800, समझ में आई क्या बात धन में? तो स्टार्टिंग बैलेंस जो दिया है वहां से शुरू करें। सेकेंड चीज क्या बेटा, ये कौन सा, हाँ ये देखिए, फर्स्ट द फॉलोइंग चेक्स वर पेड इनटू द फर्म बैंक करंट अकाउंट इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन बैंक इन अप्रैल 2006, मतलब ये एंट्री कहां पर हो गई है,
कैश बुक, सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन याद आ रहा है, पहली एंट्री कहां पे हो गई है, कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी एंट्री जाती है, मैंने आपको बताया जो बैंक में हो गई है और राइट है वो जाती है, और दूसरा वाला कौन सा, जो कैश बुक में हुई है मगर गलत है वो जाती है एडजस्टेड कैश बुक। तो पहली वाली एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी क्या, नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि बेटा जी ये कैश बुक में हो चुकी है, कहां नहीं हुई है, बैंक में। दूसरा वाला पढ़ते, द फॉलोइंग चेक्स वर इश्यूड, जितने जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी मुझे बताओ ये एंट्री कहां पर हो गई है, कैश बुक, कहां पर नहीं हुई है, पासबुक। तो बेटा क्या ये एंट्री हम एडजस्टेड कैश बुक में कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इसके बारे में पता चला ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगी। अब द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 180 एज इंटरेस्ट, पूछो अपने दिल से एंट्री कहां पे हुई है, पासबुक। मुझे एक बात बताओ क्या सही है क्या एंट्री, हाँ हो गई सही इसलिए तो दिया, तो मुझे एक बात बताओ क्या ये एंट्री कैश बुक में आएगी क्या नहीं आएगी, यस, दिस इज द लॉजिक ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, यू कैन नॉट कीप इट इन बीआरएस। अरे भाई इंटरेस्ट मिला है तो तुम तुम्हारे कैश बुक में भी डिपॉजिट दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, यस। तो बेटा जी इसकी एंट्री मैं क्या कर दूंगा, रिसीट है ना, वहां पर क्रेडिट मतलब अपना रिसीट, तो मैं इधर लिख दूंगा टू बैंक इंटरेस्ट, कितना बेटा जी 180, समझ में आया, ठीक है। तो ये एडजस्टेड कैश बुक में गया कहां पर, ये, अच्छा मुझे बताओ 40 बैंक चार्जेस, ये कहां पर एंट्री हुई है, पासबुक। बेटा क्या कैश बुक में एंट्री होगी क्या ये, यस, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एनीथिंग राइट मेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक शुड बी रिकॉर्डेड इन व्हाट, एडजस्टेड कैश बुक, से यस। तो बेटा जी मैं कहां पर लिख दूंगा इसको, क्रेडिट में 40 बैंक चार्जेस, बोलो हाँ, फिर क्या है, द पासबुक ऑल्सो कंटेन्स एन एंट्री फॉर 240 बींग डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन टू द बैंक, हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पेमेंट किया, आपसे पूछ रहा हूं ये एंट्री कहां पे हुई है, राइट, राइट है क्या, हमारे कस्टमर की राइट ही होगी, कैश बुक में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यस, तो कौन से साइड में लिखूंगा, कौन बोली फिर, कहां पे जाएगा क्रेडिट या डेबिट साइड, डेबिट साइड, क्योंकि रिसीट होगा ना, हाँ जी, तो ये जाएगा डेबिट साइड में, टू क्या बोलूं, कस्टमर अकाउंट, एग्रीड, कितना था अमाउंट 240। अब बेटा आपको मैं बताऊं इसके बाद में आप इसका बैलेंसिंग करोगे, बैलेंसिंग बताओ कितना है, 9800 प्लस 180 प्लस 240 माइनस, सो मैं इधर लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ चलाओ घोड़ा चलाओ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बताओ कितना है, 10,000, ठीक है बेटा आप ध्यान से सुन लेना आप बात मेरी ध्यान से, अब आपका जो बीआरएस बनेगा वो ओपनिंग बैलेंस से नहीं बन सकता, वो इस बैलेंस से बनेगा, क्योंकि स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, पहले एडजस्टेड कैश बुक फिर बीआरएस, सो बीआरएस जब अब शुरू होगा तब इस वाली ट्रांजेक्शन से शुरू होगा, मतलब इस वाली बैलेंस से शुरू होगा, समझ में आया कि नहीं है, सो इफ दे आस्क यू द क्वेश्चन इफ एडजस्टेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड द बीआरएस विल स्टार्ट विद विच बैलेंस, देन द आंसर इज फ्रॉम द बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। और एक बात सुनिए, जो ट्रांजेक्शन आपने एडजस्टेड कैश बुक में लिख ली है तो बट नेचुरल वो पासबुक में भी हो गई है और कहां पर हो गई है, कैश बुक में भी हो गई है, वो वापस बीआरएस में नहीं आती, so the transaction which you record in adjusted cash book will not become again the part of BRS, I hope you got my point, then my dear friend I am on the last point of adjusted cash book, right, adjusted cash book ka balance hi balance sheet mein jata hai, dhyan rahe passbook ka balance kabhi balance sheet mein nahi jata, the reason I'll give you, dekho mujhe batao trial balance kisse banta hai, ledger se, हमारे पास लेजर कौन सी है, कैश बुक है, हमारे पास लेजर पासबुक नहीं है, पासबुक बैंक की बुक है, हम उसमें कोई एंट्री नहीं करते, बैंक एंट्री कर कर देती है, बुक हमारे पास रहने का मतलब यह नहीं कि वो बुक हमारी हो गई, वो बुक किसकी है, बैंक की है, क्योंकि उस पर एंट्री करने का हक सिर्फ बैंक का है, तो आपकी बैलेंस शीट में बैलेंस विल गो ओनली एज पर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, अगर एडजस्टेड कैश बुक वर्ड नहीं है तो बैलेंस एज पर कैश बुक, समझ में आया क्या, बताओ पूरी क्लास बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस जाता है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो व्हाट इज द राइट आंसर, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये समझ में ही बात, नाउ आई एम ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ बीआरएस, टेक्निकली लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है
बेटा मेरे यहां पर है ना, मैंने कभी ऐसा चीज नहीं किया कि पहले नेगेटिव लिख फिर पॉजिटिव लिख, कुछ नहीं, ये जुगाड़ है। अगर मैंने लिख दिया ओवरड्राफ्ट 10,000, अब ओवरड्राफ्ट बोला है तो फिर वापस नेगेटिव क्यों लिखूंगा ना, ओवरड्राफ्ट बोल दिया तो यही राइट है। सो व्हाट आई राइट डाउन, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, राइट। फिर हम इसमें एडलेस 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 करते जाते हैं ना, एडलेस करने के बाद में यहां पर आ गया नेगेटिव 2000। हो सकता है बेटा ओडी का बैलेंस बन जाएगा इधर बैलेंस, बैलेंस एज पर पीबी। मतलब क्या, ये देखो पॉजिटिव की चीज पॉजिटिव रही तो जो ऊपर का बैलेंस है वही नीचे आता है। एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो यहां पर पॉजिटिव आता 2000 तो मैं नीचे बैलेंस नहीं लिखता, मैं यहां पर क्या लिखता, ओडी एज पर पासबुक, से यस। मगर मान लो कि बेटा यहां पर ये नेगेटिव आ गया तो मैं इस ओडी को हटाकर क्या लिख दूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब जब आप काम करना शुरू कर रहे हो पहले आप पॉजिटिव फिगर से शुरू करोगे, ये रूल है अपने क्लास का, यू विल स्टार्ट विद पॉजिटिव, यू डू ऑल एडलेस एडलेस एडलेस, जो भी बोलेंगे वो करते जाने को, डरने का नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहने का, क्यों आंसर नेगेटिव आ गया, डरने का नहीं, पूछ सकता एग्जामिनर, डू ऑल एडलेस। लास्ट में अगर आपका फिगर नेगेटिव आ जाता है तो जिस बैलेंस से आपने शुरू किया था उसको रिवर्स कर दो, मतलब यू स्टार्टेड विथ ओडी एज पर पासबुक तो नीचे अगर नेगेटिव आया तो इट विल बिकम बैलेंस एज पर कैश बुक। मान लेते हैं आपने शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक और एडलेस करने के बाद में पॉजिटिव ही रहा तो क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। मान लेते आपने शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक और एडलेस करने के बाद में नीचे आ गया नेगेटिव तो बैलेंस क्या बन जाएगा, ओडी एज पर पासबुक। अब ये समझ में आ गई क्या बात, मतलब अगर एडलेस करने के बाद में अगर उल्टा हो गया ना, वो नेगेटिव आ गया ना, तो जो ओडी था वो बन जाता है बैलेंस और जो बैलेंस था वो बन जाता है ओडी। इतने फर्क के अलावा और कुछ नहीं है एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स दिस इज बीआरएस। अगर आप रेडी हो तो हम एमसीक्यूज के पास चलते हैं, मेरे पास समय कम था नहीं तो आपको बीआरएस और एक नए लेवल पर लेके जाता, बट एनीवेज मुझे लगता है इतना सफिशिएंट हो जाएगा, कर लोगे ना नालायको। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि सपोज मान लीजिए आपको कोई अड़चन आती है बीआरएस में स्पेसिफिकली, यू कैन कम एंड आस्क मी एनी टाइम, जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट डोंट आस्क मी ऑन फोन, ट्राई दैट यू डोंट आस्क मी ऑन फोन, इफ एट ऑल यू गेट अ चांस आस्क मी आफ्टर द क्लास, जब मैं आपको ये पॉइंट बता पाऊंगा ऑफिस, जो भी आपकी क्वेरीज है लिख कर रखना, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। चलिए बीआरएस के क्वेश्चन करते बेटा, डिच क्या सुन रहा है ना तू, चलिए द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नन ऑफ द अबाव, ना कुछ भी नहीं है। दूसरा द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ए इज राइट, बी कैश कॉलम बोला, नहीं ये गलत है, कैश कॉलम से नहीं करते हम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक है बकवास, दोनों कैश बुक नहीं होती, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट, देखो सो अनफेवरेबल का मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बिकॉज दिस इज ओडी, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब ये बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक, ये बकवास, सो व्हाट इज द राइट आंसर, ए। इस क्वेश्चन को लिख लो इंपॉर्टेंट 21, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक द बैंक, अच्छा द बैंक मतलब किसके बुक्स में एंट्री पूछा है, बैंक, अच्छा बेटा मनी इज विड्रॉन, डिपॉजिट मतलब बैंक में क्रेडिट, विड्रॉ मतलब क्या, डेबिट, सो बैंक विल डेबिट कस्टमर अकाउंट, तो चेक करो बेटा बैंक विल व्हाट, डेबिट कस्टमर अकाउंट, बी। Which of these errors are not detected during bank reconciliation? बेटा जो कैश और बैंक को अफेक्ट करता है वही एरर रिफ्लेक्ट होगा, तो अगर कैश एम्बलेजमेंट बाय कैशियर मतलब कैशियर कुछ कैश लेकर भाग गया तो ये बीआरएस में पता नहीं चलता है, समझ में आया कि नहीं आया,
सो माय डियर फ्रेंड, बाकी के पता चलता है कि हाँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बीआरएस में पता चलता है। कास्टिंग मिस्टेक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हाँ जी ये भी पता चलता है। बैंक कॉलम में कास्टिंग मिस्टेक हुई तो, कैश कॉलम में कास्टिंग मिस्टेक हुई तो पता नहीं चलता है, बैंक कॉलम में होना जरूरी है। मिस्टेक बैंक कॉलम में हुई तो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा, इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज बाय बैंक नॉट अकाउंटेड इन द कैश बुक, ये भी पता चल जाता है। इसमें सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो, मतलब इसका मीनिंग समझना जरूरी है। अगर वही ये वर्डिंग होता, कास्टिंग मिस्टेक इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ये पता नहीं कर सकते हम बीआरएस से। अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लेट अस सी। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बेटा ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल बैलेंस है? फेवरेबल, मतलब पहली स्टेप आपको बताना, अगर ओवरड्राफ्ट रहा तो क्या करने का, सिर्फ उल्टा। अब उल्टा करना है कि नहीं करना, उसके लिए मैंने पहले चेक किया, तो क्या बोला, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है ना। अच्छा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 400, डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट विल शो बैलेंस एज पर पासबुक विल बी लो इक्वल। चेक इश्यूड कहां पर एंट्री होती है, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम, करो कम। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, क्या करेंगे, एड। तो पहला वाला क्या होगा बेटा जी, एड। नेक्स्ट क्या बेटा, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक लो इक्वल, कहां पर एंट्री हुई है, पासबुक, क्या होगा, किसका कम होगा, बढ़ेगा ना, दारू पी के आई क्या सुबह सुबह, ये बढ़ेगा। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, एड, तो ये भी क्या होगा, एड। बेटा डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक लो इक्वल, डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसका बैलेंस बढ़ गया, ये बढ़ गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक, फ्रीज, क्या करेंगे, ऐड, ये क्या करना है, ऐड। तो बेटा मैंने पहले काम क्या किया, मैंने सीक्वेंस देखा कहां पर एंट्री हुई, फिर मैंने उस हाथ को फ्रीज किया जिसका बैलेंस मुझे पता नहीं, और फिर आइडिया लेस निकाला। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ए। बेटा प्लीज कॉपरेट करो, अभी प्लीज कॉपरेट करो, कॉपरेट करो मतलब एनर्जेटिक रहो, समझ में आता है क्या, कोई भी चीज एक एनर्जी में अगर हम कर दे तो इट कैन टेक ओनली 15 मिनट्स टू डू दैट वर्क, बट अगर एंथुजियास्टिकली नहीं करे ना तो 10 साल भी बीत जाए तो काम नहीं होता है। राइट एनर्जी एट द राइट टाइम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, समझ में आ रही बात, देन में पुट अप द राइट एनर्जी। लेट्स गो अहेड। When the balance as per cash book, debit balance as on 31st March is the starting point. मतलब कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक, राइट, गो अहेड। What will be the effect while preparing a BRS when out of the check amounting to 5000 deposited, check aggregating 1500 were credited in March and check rupees 2000 were credited in April and the rest have not yet been collected. Very important question. मुझे एक बात बताओ, कितना check clear हो गया है, 1500, कितना क्लियर नहीं हुआ, बाकी का कितना है, कितना, 3500, बाकी के मिर्च मसाले के पास ध्यान मत दो कि 2000 अप्रैल में क्लियर हुए, भाड़ में जान दे, कितने क्लियर नहीं हुए अपने हिसाब से, जो आगे क्लियर हुए मार्च के बाद में, कितने, 3500 लो इक्वल। मैं आपको सिखाता हूं ये कैसे करना, मार्च का बात करेंगे, चेक डिपॉजिटेड कहां पर एंट्री हुई, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 5000 से, पासबुक में कितने से क्लियर हुआ, पासबुक में कितना क्लियर हुआ, मार्च में कितना क्लियर हुआ, 1500, समझ में आया। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक, फ्रीज, क्या करेंगे, लेस 3500, बाकी का दिमाग मत लगाओ, सब्सट्रैक्ट 3500, डू नॉट अप्लाई एनी अदर ब्रेन, इतना ही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, 26th, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक of Narayan Enterprises on 28th February 2012 is rupees 15,000, check deposited but not clear 660 and check issued but not presented for payment 2150, balance as per passbook should be, बेटा कौन सा बैलेंस पता नहीं है, पासबुक, कौन सा पता है, कैश बुक, लो बेटा इक्वल। चलो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड मतलब क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा, कितने से बढ़ा बेटा, 660, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक, फ्रीज, लेस, कितने से लेस होगा बेटा, 660, राइट, चेक इश्यूड लो इक्वल, चेक इश्यूड कहां पर एंट्री हुई, कैश बुक, तो कैश बुक में बैलेंस क्या होगा, कम, कैश बुक का कम, एग्रीड। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है,
फ्रीज क्या करेंगे ऐड ऐड हाउ मच 2150 कर कर बताओ 16,490 चल भाई निकल उसको बाहर क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन वीक हो रहा है चलो निकलो गला उसके बाहर उठ जा हाँ निकलो हाँ बाकी के लोगों को क्यों डुबा रहा है ये चारों लोग डूब रहे तेरे साथ क्या करूँ बता मैं अभी मेरी गलती है क्या बोला था बीआरएस में मेरे को फोकस चाहिए मतलब चाहिए ये चारों लोग हंस रहे थे कि नहीं हंस रहे थे तुम कौन पैसा भर रहा है तुम्हारा कौन पैसा भर रहा है तेरा बोल मेरे को अरे नलायक पैसा कौन भर रहा है तेरा और तेरा पैसा कौन भर रहा है तेरा क्या है तेरा क्यों झोल कर रहे हो फिर क्यों मॉम डैड के पैसे के साथ झोल कर रहे हो पढ़ना है तो आओ ना नहीं तो मैंने बुलाया तुमको इनविटेशन दिया था डिड आई आस्क यू टू कम होपलेस साहब उसका मोबाइल बजा ठीक है एक प्रॉब्लम तक ठीक है समझ गया दूसरी प्रॉब्लम तक समझ गया तीसरी प्रॉब्लम में भी तुम्हारा टाइम पास चालू मतलब क्या है आ गई ये प्रॉब्लम एग्जाम में फिर क्या करोगे क्यों आए इस कोर्स में फिर अगर करना ही नहीं है तो मुझे बकवास पसंद नहीं है मैं पहले ही बोल रहा हूँ मेरे क्लास में आने का पढ़ना है तो नहीं तो बैठने का घर पे मैं किसी को नहीं बुलाता और मेरे खाने पीने की चिंता मत करो मैं हूँ उतना सामर्थ्य है मेरे में मैं कर लूँगा बैठ जा मेरे को आगे से नाटक नहीं चाहिए प्लीज़ फॉर गॉड सेक याद करो अपने माँ बाप को तीन दिन तक करो बोल रहा हूँ मैं सिर्फ पढ़ाई तीन दिन मतलब नेक्स्ट 15 तक उसके बाद में अगर कभी आनंद भांगड़िया ने बोला आपको कभी भी कहीं पर भी बाहर कुछ भी करते हुए मिले अगर मैंने बोला तो बोल देना आज तक किसी को नहीं बोला मैंने जिस समय जो राइट टाइम है उस समय वो चीज़ करो बाकी आप क्या मस्ती करते हो क्या करते हो क्या नहीं करते हो आपकी पर्सनल लाइफ में आई एम द लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन मुझे क्लास में चाहिए मतलब चाहिए नहीं तो द क्वालिटी ऑफ द पीपल विल गो आउट एंड टीच अकाउंटिंग ब्लडी हेल दोज विल बी द मोस्ट स्टूपिड पीपल द क्वालिटी ऑफ द पीपल विल गो आउट इन द मार्केट एंड ब्लडी हेल विल डू अकाउंटिंग विल बी द मोस्ट स्टूपिड पीपल और उसके लिए ब्लेम गेम के लिए मैं जिम्मेदार हूं क्योंकि मैंने सही से नहीं कराया क्योंकि मैंने डिसिप्लिन नहीं लगाया क्लास में प्लीज मैं बहुत सिंसियर हूं इन चीजों में पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो यू आर मोस्ट वेलकम गो आउट मस्ती करो यार कब मना कर रहा हूं बट मुझे पता है तुम मस्ती करते हो कब एट व्हाट कॉस्ट उतना क्वेश्चन है मेरा रेगुलर बैच में कभी मैंने किया आपको साला एक दो क्वेरी गया खत्म हो गई बात चलिए नेक्स्ट अब कोई बाकी का बच्चा सीरियस नहीं होगा जिन चार बच्चों को सीरियस करना था मैंने कर दिया है हाँ बाकी के बच्चे रिलैक्स रहेंगे ठीक है चलो देखो डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑफ ABC Enterprises as on 31st March 2012 is rupees 10,000. Check deposited but not cleared amounted to rupees 1,000 and check issued but not presented of rupees 2,000. The balance as per passbook should be. Chalo lo equal jaldi se. Check deposited. Abhi chalo jaldi se. Kahan pe entry hui pehle? Cash book. Bada do cash book ka balance. Kaun sa balance malum nahi hai? Passbook. Freeze. Kya karenge? Less. To pehla wala kya hoga? Less. कहाँ पे लेस भाई हाँ कूटे लेस अच्छा ऊपर हाल है अच्छा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर रुपीज 2000 चलो लो बेटा चेक इश्यूड मतलब पासबुक का बैलेंस या कैश बुक का कम कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है फ्रीज क्या करेंगे ऐड ये होगा ऐड बेटा बेटा आंसर क्या है 10,000 सॉरी बाबा 11,000 चलो नेक्स्ट 28 मिस्टर श्याम डिपॉजिटेड अ चेक ऑन 28th मार्च 2012 फॉर सम ऑफ रुपीज 10,000 द चेक वॉज कलेक्टेड ऑन 4th अप्रैल 2012 द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक इज 1 lakh द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी लो इक्वल चेक डिपॉजिटेड है कहां पे एंट्री हुई कैश बुक बढ़ा दो कैश बुक का बैलेंस कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है फ्रीज क्या करेंगे लेस लेस कितने से 10,000 What is the right answer? 90,000. 29th question aapki seva mein. The cash book shows a balance of 11,000 which is different from passbook balance. The difference is found due to credit entry in the passbook. Matlab jama hua hai ki withdraw hua hai? Deposit ya withdraw? Deposit. Word is credited. Very good. Amounting to 2,000 for direct deposit by customer and debit of 250. Beta debit matlab withdraw hua hai ki deposit hua hai bank mein? Withdraw. Logic lag raha hai na? ओके ऑन कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक एंड अदर सर्विसेज व्हाट वुड बी द बैलेंस एज पर पासबुक चलो लो इक्वल मुझे एक बात बताओ जो चेक डिपॉजिट हुआ है कितने का डिपॉजिट हुआ है डायरेक्ट एंट्री जो 2000 कहां पे इफेक्ट आएगा
कहां पे इफेक्ट आएगा? पासबुक, बढ़ा दो पासबुक का बैलेंस। हाँ, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक, क्योंकि उन्होंने बोला फाइंड आउट द पासबुक बैलेंस। फ्रीज एड, कितने से एड? 2000। और डेबिट ऑफ रुपीज 250 बैंक चार्जेस, लो इक्वल। हाँ, कहां पर एंट्री हुई है? करो कम। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक। फ्रीज क्या करोगे? लेस। सो माय डियर फ्रेंड, ये होगा लेस। चल बता मुझे आंसर क्या आएगा। हाँ जी, 12,000 ये ऑप्शन है। गुड, चलो बेटा अगला, रीड इट। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ एबीसी एंटरप्राइजेस ऑन 31st March 2007 इज 3,000। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर अमाउंट टू 200 एंड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड रुपीज 300। द बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 100 एंड कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 100 ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी एंटरप्राइजेस, द बैलेंस ऑफ पासबुक शुड बी। अब देखो, ओरली करते हैं। ये डेबिट बैलेंस है। अब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो कहां पर डिपॉजिट हुआ है? कैश बुक में। बढ़ गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं? पासबुक। फ्रीज क्या करेंगे? लेस। जल्दी से, हाँ बेटा, रैपिड लेस। चेक इश्यूड, लो इक्वल। कहां पर एंट्री हो गई है? कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? लेस। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक। फ्रीज क्या करेंगे? एड। ये हो गया एड, राइट। अगर मैंने कहा गलत लिख दिया क्या? कहां पर करना है? 300। ये एड, वो पहले वाला क्या था? Less. अच्छा, the bank allowed interest. Allowed interest का मतलब है deposit. Charged interest का मतलब है withdrawal. मतलब वो expense है. Allowed मतलब income. तो bank हमको interest दे रही है. Low equal. Allowed interest का मतलब क्या हो? Bank का balance बढ़ गया. Right? कौन सा balance मालूम नहीं है? Passbook. Freeze. Add. तो ये क्या होगा? Add. और बेटा, dividend भी आपकी income है. ये भी collected होता है. Low equal. अभी आप मुझे बताओ. डिविडेंड क्या होगा? बैंक में बढ़ जाएगा. बढ़ा दो. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? फ्रीज क्या करेंगे? ऐड। 3,300. अब कुछ बच्चा ऐसा सोचता है कि एक ऐड हुआ तो दूसरा लेस होता है. ऐसा जनरली एक बात बता रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से. क्लासरूम में तुमने खुद ने देखा कि जब हम आंसर पर डायरेक्टली जंप कर रहे थे, कुछ बच्चे जंप कर रहे थे, आपको पता चल रहा होगा. और मैं बोल रहा था दारू पी के आएगा, दारू पी के आएगा, याद आ रहा है क्या बेटा? ऐसा आपके साथ में भी होगा, मगर वहां पर कोई बोलने वाला नहीं होगा. ध्यान रहे, प्रोसीजर्स विल ऑलवेज विन. हमारा माइंड इज वेरी वेरी वॉलेटाइल एंड फ्लेक्सिबल. प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स विल ऑलवेज विन. समझा? परफेक्शन में मशीन हमसे परफेक्ट है, क्योंकि वो प्रोसीजर पर काम करती है, प्रिंसिपल्स पर काम करती है. और हम इतने परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम इमोशनल होते हैं. ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है. मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा. एग्जाम में जाने के बाद में अपने ओवर कॉन्फिडेंस को दबा कर रखना. सिर्फ एग्जाम के लेवल तक 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप हाथ के मूवमेंट से सॉल्व करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उससे आंसर राइट आने के चांसेस ज्यादा है. अगर आपको लगे भी कि यही राइट आंसर है, तो भी उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करना. टेम्पटेशन मत होने देना. कुछ बच्चा डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करता है, अपने पैरों के नीचे रखना अपने ओवर कॉन्फिडेंस को. इतने सारे क्वेश्चन करने के बावजूद भी, मुझे आने के बावजूद भी, डायरेक्ट मैं कर दिखा रहा हूं कि नहीं आपको, और वही चीज आपने एग्जाम हॉल तक लेकर जानी है. डू नॉट हैव ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको लगेगा, क्योंकि बीआरएस में कमी ना करता ही है, वैसा लगेगा अरे यही आंसर है, और आप टिक करके आओगे दैट इज पॉसिबली द रॉन्ग आंसर. ठीक है, लेट्स गो एट. अगला क्वेश्चन कौन सा? 31. फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज 5,000. डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 2,000. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज 3,000. डिसऑनर्ड बट नो एंट्री फॉर डिसऑनर इज मेड इन द कैश बुक बैलेंस एज पर पासबुक इज. तो बेटा एक बात बताओ, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट. डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड. रिसीट साइड इज अंडरकास्ट, मतलब बैलेंस इज अंडरकास्ट. लो इक्वल. कैश बुक का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? कम. ये कैश बुक का कम हुआ. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक. फ्रीज क्या करेंगे? एड. तो पहला वाला क्या होगा? एड. नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक रुपीज 3,000. डिसऑनर्ड. बेटा डिसऑनर्ड की एंट्री कहां पे होती है? पासबुक. लो बेटा इक्वल. पासबुक का बैलेंस होगा कम. कम हुआ. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक. फ्रीज क्या करेंगे? लेस. ये आएगा बेटा लेस. 4,000 इज द राइट आंसर. 32. अ ट्रेडर issued a check worth rupees 7,800, out of which 6,500 were only presented into the bank. Then on reconciling the cash book, the passbook,
द अमाउंट टू बी एडेड विल बी, पहले एडेड है क्या चेक कर लो, क्योंकि कई बार नन ऑफ द अबव भी आंसर आता है, एडेड है क्या चेक कर लो, लो इक्वल, चेक इश्यूड लो इक्वल, तो चेक इश्यूड तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा लेस, कौन सा कितने क्लियर हो गए 6500 इतने ही क्लियर हुए, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है पासबुक फ्रीज, क्या करेंगे एड राइट, तो बेटा एड कितनी अमाउंट से करेंगे 7800 माइनस 6500 कितना 1300, किसको ये आंसर समझाने 1300 है, रेज हैंड, आई एम फ्रैंक इनफ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, दो ओके सिर्फ दो तीन, आई एम सरप्राइज गुड, तो सुनो देखो बेटा क्या है 7800 रुपए के चेक इश्यू किए थे, क्लियर कितने हो गए 6500, जब तक कि आप बीआरएस बना रहे हो, बीआरएस बनाने की तारीख तक 6500 के चेक क्लियर हो गए, मैंने आपको क्या बताया गिवन डेट के पहले ट्रांजैक्शन दोनों की साइड की हो गई कैशबुक और पासबुक की, तो वो बीआरएस में नहीं आता, क्लियरली पढ़ बेटा क्या लिया, एग्जामिनर कह रहा है आउट ऑफ विच चेक वर्थ रुपीज 6500 ओनली प्रेजेंटेड इन टू द बैंक, मतलब ये बैंक में प्रेजेंट हो चुके हैं, कैशबुक में एंट्री हो गई है बैंक में भी हो गई है, डिफरेंस वाले चीज की एंट्री बैंक में अभी तक नहीं हुई है, मतलब कितने की 1300 की, समझ में आई बात में, लेट्स गो एट क्वेश्चन नंबर 33, डेबिट बैलेंस एज पर पास कैशबुक इज 1500, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 100, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 150, द बैंक अलाउड इंटरेस्ट 50, कलेक्टेड डिविडेंड 50 ऑन एबीसी, बेटा मेरे हिसाब से रिपीट है क्वेश्चन, और अगर रिपीट नहीं है तो आंसर निकाल कर बताओ, अब मैं नहीं कर रहा हूं, कितना 1650, चलो सभी लोग कर कर देखो, और अगर जो नहीं टैली हो रहा है तो मुझे बताओ, सभी लोग कर कर देखो, जिनका हो जाए 33 करने के बाद में 34, 35 सभी कर लो, 35, 36 और 37 सभी तक आ जाओ और मुझे बताओ, अगर जो क्वेरी रहे तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, चलिए बताइए मुझे आंसर 33 का आंसर क्या है, डी 1650 अमाउंट बोलो 1650 कोई है जिसका नहीं है ओके नेक्स्ट 34 का आंसर क्या है बेटा 21 ओके डी इज द कॉल, किसी को क्वेरी इसमें, अच्छा 35 का आंसर क्या है 5480 हाँ बेटा नहीं आया, चलो लो इक्वल, बैलेंस एज पर कैशबुक इज 5000, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज
2000, राइट। चेक इश्यूड मतलब कहां पे बैलेंस कम हो गया, कैश बुक कम, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक फ्रीज, क्या करेंगे, ऐड, ऐड कितना 2000। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, लो इक्वल। चेक सेंट फॉर कलेक्शन मतलब बेटा कहां पर एंट्री हो गई है, कैश बुक, ये कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक फ्रीज, क्या करेंगे, लेस, ये सेकंड वाला होगा लेस। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, बेटा डेबिटेड मतलब विड्रॉन या डिपॉजिट, विड्रॉन, बैंक में डेबिटेड मतलब विड्रॉन। द अकाउंट बाय फर्म ऑफ रुपीज 20, येलो इक्वल, ये क्या करेंगे हम, लेस, बैंक बैलेंस कम होगा ना डेबिटेड, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, क्या करेंगे, लेस, ये होगा लेस। बेटा बताओ मुझे आंसर क्या है, समझ में आई बात, धन्य। अच्छा और एक बात सुनो मेरी, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी एंट्री होगी, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्यों, पहला वाला कौन सा है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक में एंट्री हो चुकी। दूसरा वाला क्या है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तीसरे वाले की बैंक में एंट्री हुई है, मगर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने रूल क्या बताया, करेक्ट वाली एंट्री सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक में होती, ये रॉन्ग है ना, रॉन्गली, तो ये नहीं होगी। अगला चलते हैं, 11,000 इज द कॉल, किसी को क्वेरी क्या, श्योर, ओके, तो 11,000 इज द आंसर, कितना 12,000, कोई क्वेरी, चलिए चलते अभी। अब बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सिंपल है, क्या करेंगे क्या मालूम है ना, उल्टा, लेट्स सी, इसके भी मैं कुछ एक करूंगा, बाकी के आपने करने हैं, राइट, आई हेल्प यू आउट विथ सम ऑफ देम। द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश, क्या मां, तो तुझे क्या लगता है मैं खाना बनाता हूं यहां पे, आई कांट गिव यू ब्रेक, पहले इतनी मस्ती की है, अभी खत्म होने के बाद नहीं, चलो आगे ना, लाइक तो तू चली जा फिर ये नहीं यार, कॉपरेट करो। द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वॉज बैलेंस्ड ऑन 31st March 2012, it showed an overdraft of rupees 50,000. It was observed that one check amounting to 20,000 deposited but not collected by bank till 31st March 2012. Bank charges of 500 were also charged by the bank during March but accounted in the books of Mukesh on April 4, 2012. The bank statement of Mukesh shows the balance of, beta wording hai balance of, yahan pe overdraft word nahi bola hai, mere hisab se iska answer negative mein aayega, जो मैं आपको बोल रहा था ना, चेंज द बैलेंस। सो मैं पहले लिखता हूं ओडी एज पर कैश बुक, राइट, क्योंकि द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वॉज बैलेंस्ड ऑन 31st। बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वॉज बैलेंस्ड मतलब हमारी बुक्स में, एंड इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज हाउ मच, 50,000। सो मैंने ओडी एज पर कैश बुक लिखा 50,000। इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कोई है क्या, ये समझ में आई बात, धन्य, ओके, लेट्स गो इट। इट वॉज ऑब्जर्व दैट वन चेक अमाउंटिंग टू 20,000 रुपीज 20,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बेटा लो इक्वल, बेटा चेक डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक फ्रीज, क्या करेंगे, लेस, लेस का उल्टा ऐड, ये मैंने करना है ऐड, कितना बेटा जी 20,000। अच्छा अगला कौन सा है, बैंक चार्जेस ऑफ 500 वर ऑल्सो चार्ज, लो इक्वल बेटा, तो बेटा बैंक चार्जेस से बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम, कौन सा बैलेंस पता नहीं है, पासबुक करो फ्रीज, फ्रीज क्या करेंगे, लेस, लेस कितने से कर देंगे, सॉरी ऐड का, लेस का उल्टा ऐड, कितना 500। बेटा मुझे बताओ आंसर क्या है, कितना, राइट, ये बेटा इधर से बैलेंस कैंसिल कर दो, इधर लिख दो ओडी, ओडी बैलेंस ऑफ 70,500, ठीक है, मैं एक और कराऊंगा आपसे, फिर इसके क्वेश्चन आप करोगे भी, आप ही। चलो क्वेश्चन नंबर 39, द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 3,000 एज कैश एट बैंक बट द पासबुक मेड अप ऑन द सेम डेट शोड दैट चेक ऑफ रुपीज 200, 100 एंड 250 रिस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड चेक ऑफ रुपीज 800 पेड इनटू द अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी राइट सो माई डियर फ्रेंड प्लीज टेल मी व्हाट इज द कैश बुक ओडी हाउ मच 3,000 अच्छा नेक्स्ट क्या है But the passbook made upon the same date showed the check of rupees 200, 100 and 250 had not been presented for payment. Low equal. बेटा मुझे बताओ कहां पर एंट्री हो चुकी है? कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम.
कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक फ्रीज, क्या करेंगे ऐड का उल्टा लेस, तो ये आएगा लेस 200 प्लस 100 कितना आएगा 550। अच्छा नेक्स्ट क्या है, द चेक ऑफ रुपीज 800 पेड इन टू अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड, बेटा लो इक्वल, मुझे एक बात बताओ, चेक पेड इन टू द बैंक हैड नॉट बीन क्लियर्ड, इश्यूड नहीं है, चेक पेड है, तो बेटा ये डिपॉजिटेड है, लिखो बेटा इक्वल करो, क्या होगा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक फ्रीज, क्या करेंगे लेस का उल्टा ऐड, ये कितना ऐड हो जाएगा 800, आपका आंसर बताओ 3250 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ओडी, ठीक है। अब बेटा 40 क्वेश्चन आपको करना है, 41 आप करेंगे, 42 आप करेंगे, 43 44 कहां तक आप करेंगे बताऊं क्या, 48 तक, राइट, ये पॉसिबली मैं ब्रेक के आने के बाद में देखूंगा, तब तक मीन वाइल आप कर रखिए, 48 तक के आपके, सुनिए 49th हम देख लेते, अभी दो क्वेश्चन मैं करूंगा अभी हर एक टाइप के, और आगे क्वेश्चन आपके, ठीक है, आने के बाद में मैं क्वेरीज हैंडल कर लूंगा। 49th बैलेंस एज पर पासबुक इज 2430, चेक पेड क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारे इसमें 47 है क्या, कोई बात नहीं, इतनी सी बात में क्या तुम टेंशन लेते हो यार, फोर्टी सेवन बोल रहे हो क्या, ये ले खुश हो जा, हाँ जी 47 बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक इज बताओ कितना है 2430, चेक पेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस एंटर्ड इनटू द पासबुक, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बेटा कौन सा बैलेंस पता नहीं है, कैशबुक, कौन सा हाथ फ्रीज होगा बताओ, कैशबुक का हाथ ये वाला, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सो माय डियर फ्रेंड लेट्स टेक इट इक्वल एंड चेक पेड इन टू द बैंक बट नॉट इट क्रेडिटेड, चेक पेड इन टू द बैंक मतलब चेक इज डिपॉजिटेड, क्या होगा कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, कैशबुक फ्रीज एड, एड ही आएगा ना, ये होगा एड बेटा, बैंक चार्जेस लो इक्वल, कहां पर एंट्री हुई बैंक चार्जेस की, पासबुक के हिसाब से बैलेंस कम, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज ऐड, ये क्या होगा ऐड, चेक इश्यूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लो इक्वल, चेक इश्यूड कहां पे होगी एंट्री, कैशबुक लेस, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज, क्या करेंगे लेस 2370, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 48, चलो आप करके बताओ 48 आप करके बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, सो 48 का ए इज द राइट आंसर, चेक कर लो सभी का आ रहा है क्या, मिस्टर टी इशूड चेक वर्थ रुपीज 25,000, मतलब कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं, कैशबुक फ्रीज, क्या करेंगे लेस, ये लेस होगा एंड आउट, ओ 10,000 और पेमेंट नहीं, गलती होगी 15,000 लेस होगा, 15,000 लेस होगा, समझ में आ रहा है क्या, और आगे क्या है, अच्छा फिर 45,000 माइनस 15,000 राइट आंसर इज हाउ मच 30,000, क्लियर है ना ये बात, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 भी हुआ, 4950 आपके लिए एडजस्टेड कैश बुक देख लेते हैं अभी, राइट लेट्स सी, देयर वाज अ डिफरेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक बाय रुपीज 2500, ऑन स्क्रूटिनी इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑफ 500 चार्ज डायरेक्टली बाय द बैंक was not entered in cash book, the same was adjusted in the cash book before reconciliation statement, now in the bank reconciliation statement this interest of 5 is to be adjusted or not adjusted, 500 is to be adjusted or not adjusted, just let me know that much, no, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर एंट्री एडजस्टेड कैश बुक में हो गई है तब आप वापस उस एंट्री को BRS में नहीं लेते, अगर आपको बैलेंस से भी शुरू करना है तो आप कैशबुक का ओरिजिनल बैलेंस नहीं ले सकते, कौन सा बैलेंस लेते हो, एज पर एडजस्टेड कैशबुक, इतना ही नहीं आपकी बैलेंस शीट में भी कौन सा बैलेंस जाता है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग BRS, राइट नाउ माय डियर फ्रेंड 52 का एक हाथ में कर दिखाता हूं आपको,
When the balance as per the cash book is starting point, direct deposit by customer. But a balance as per cash book is starting point, matlab kaun sa balance pata nahi hai. Passbook, low equal. Now direct deposit by customer, entry kahan pe hoti hai pehle? Passbook, ye badh gaya. Kaun sa balance malum nahi hai. Freeze, kya karenge? Add, iska hoga added. Chalo next, 53. When balance as per passbook is the starting point, interest allowed by bank, low equal. Interest allowed by bank matlab receipt ya paid? Receipt, charged matlab paid. To interest allowed, kahan ka balance badh gaya? Bank ka. Kaun sa balance malum nahi hai? Cash book, kyunki bola hai na balance as per freeze, kya hoga? Less. To ye kya hoga? Subtracted. When drawing up BRS, if you start with the debit balance as per the bank statement, but a debit balance as per bank statement matlab kya hai? OD. The unpresented check, but a unpresented matlab check issued but not presented. Low equal. Check issued ki entry kahan par hoti hai? Cash book. To cash book ka balance kam. Kaun sa balance malum nahi hai? Dekho kaun sa starting point hai? Passbook. To kaun sa balance malum nahi hai? Freeze. Less ka ulta add. Add क्यों कर रहे समझ में आ रहे हैं? Add क्यों कर रहे समझ में आ रहे हैं? तो ये क्या होगा? Add. एक बार ऑफिस देखेंगे ये वाला. Low equal. Low equal. अब मुझे बताओ unpresented check मतलब पहले एंट्री कहाँ पे हुई? Cashbook. Cashbook का बैलेंस कम. कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? Passbook का दिया हुआ है. कौन सा नहीं दिया हुआ है? Cashbook. Freeze. Less का उल्टा add. उल्टा क्यों कर रहा हूँ? OD है. तो ये क्या होगा? Added. चलिए the a debit balance in depositor's cash book. Depositor मतलब customer's cash book, मतलब अपनी cash book will be shown as a debit balance in the bank statement. सरासर बकवास है. A credit balance in bank statement. B is the right answer. When preparing BRS, if you start with debit balance as per cash book, check issued but not presented for payment within the period should be. बेटा विद यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लो इक्वल चेक इश्यूड. चेक इश्यूड क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस लेस. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? फ्रीज. क्या करेंगे? ऐड. क्या बेटा हम ओडी से शुरू कर रहे हैं क्या? नहीं. तो क्या होगा इसका आंसर? एडेड. 57th बेटा. व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक. लो इक्वल. डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक मतलब क्या होगा? बैंक का बैलेंस कम होगा. डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर बोला तो बढ़ता है. डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? फ्रीज. क्या करेंगे? एड. इट वुड बी व्हाट? एडेड. ये समझ में आया? हाउ कि नाउ 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ये सारे आपके हैं. बचे हुए सारे आपके हैं. कब देखेंगे हम ये? ब्रेक के आने के बाद. कितने देर का ब्रेक है? हाँ, आधा घंटा. जिनको जाना है जाओ, जाना है जाओ. मैं कुछ मना नहीं कर रहा. मेरी क्लास में और एक चीज ध्यान रहे, खाने के लिए कोई मना ही नहीं है. यू कैन हैव योर फूड और ईटेबल्स इन द क्लास. तुमको खाना है बाहर खा के आओ. एक घंटे के बाद में आना. एक घंटे के बाद में मेरी क्लास आधे घंटे के बाद में शार्प शुरू हो जाएगी. ठीक है? चलो प्यार से भाई बोलो.